अगर हमने बताया था विड्रॉल सिंड्रोम, जो भी क्या नाम है, पहला काम पता ही आपको क्या करना है, है ना, क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फटाफट करो, उठाओ इसमें जल्दी से, ये बिना कहे हुए कर दिया करो। अरे आंचल आ गई है, वाह भाई वाह, कहाँ थी, ठीक है, एग्जाम था, खत्म हो गया, पेट गड़गड़ हो गया, जुगाड़ वड़ हो गया, हाँ यही होता है, और भी बीएससी लोग और भी देखो, क्या देखो, सगुन राय, गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून बॉबी सिंह, और हमारे और जवान कहाँ चले गए, और इन जवानों बड़ा बेसब्री से इंतजार, और जवान बड़े शिद्दत से लगे हुए लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने में, देखते हैं कौन ज्यादा लाइक करता है और कौन ज्यादा सब्सक्राइब करता है, शेयरिंग में देखते हैं यहाँ पे, और मसीरा भी लगी हुई है देखो ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बच्चे लोगों ने बड़ा मेहनत करते हुए, तो ठीक है, आई होप आपने सब कुछ कर दिया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आई होप कि आप जो है रिवीजन करवा दें, राइट। चलो बताओ जरा, अगर एक्सेसिव डोज हो जाए, अगर एक्सेसिव डोज हो जाए एल्कोहल का या ड्रग का, तो क्या क्या सिम्टम होंगे बताओ जल्दी, क्या होगा, हाँ क्या होगा, हेलुसिनेशन हो तो बहुत सही, हाँ शिवरिंग होती है, बताओ ऑफरिन कौन सा जाएगा, आकांक्षा, मसीरा, सगुन, हाँ बोलो बोलो, बहुत प्रेरित लड़की, यस यस यस, और सेरेब्रल हेमरेज आगे, हाँ आप सबको याद आ गया, उसने बताया ना, ये सबको याद हो गया, आरसीएच, रेस्पिरेटरी सेरेब्रल हेमरेज और हार्ट अटैक, कि हार्ट फेलियर हो जाता है, बात समझे कुछ, ऐसे एग्जाम में करोगे, कल ही पढ़ाया आज साहब, ऐसे करोगे, इतना पढ़ा दिया कि पूरी चीज पता होना चाहिए, विड्रॉल सिंड्रोम बताओ क्या क्या है, स्वेटिंग, एंग्जाइटी और सेकनेस और नॉजिया, है ना, ये क्या था, विड्रॉल, ठीक है, चलो ये हम लोग बात करें यहाँ पे, और इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट क्या क्या बताया था, ड्रग एल्कोहल लेते हैं तो तुरंत जो इफेक्ट आता है वो क्या क्या बताया था, तीन अलग अलग क्वेश्चन है और ध्यान नहीं दोगे तो गड़बड़ कर दोगे, हाँ बताओ किसने बताया, वायलेंस पीवीआर जस्ट लाइक टू बीवीआर, यस बोलो, ए मुस्कुराहट, वायलेंस, अरे जोर से बोलो बोलो, वायलेंस, वैंडलिज्म, रेकलेस बिहेवियर, बीवीआर, समझाए कुछ, वायलेंस, वैंडलिज्म और रेकलेस बिहेवियर, ये क्या होता है, क्या होता है ये, इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट, तुरंत जो इफेक्ट दिखता है ड्रग एब्यूज करने के बाद, दैट इज इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट, समझाए कुछ, एक्सेसिव डोज लेने वाला अलग होगा, उसको याद करना है किससे, आरसीएस से, इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट के बारे में बताया था, वो कैसे याद करोगे आप, हाँ वीवीआर से, और अगर विड्रॉल सिम्टोम की बात करेंगे तो गला दबा देंगे तो सांस लेने से डेथ हो जाएगी, सांस से बताया ना, सांस याद करना है, याद रहेगा, सांस नहीं सांस, ठीक है, चलो तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे, फाइलेरिसिस कौन सी मच्छर फैलाती है, मेल की फीमेल, मलेरिया कौन फैलाती है, मेल की फीमेल, फीमेल फैलाती है, और डेंगू कौन फैलाती है, फीमेल, डेंगू या डेंगू कौन फैलाता है, फीमेल, है ना, उसका नाम क्या है, एडीज, चिकनगुनिया, एडीज कौन करेगा, इंडीज, रिंगवर्म कौन खास करता है, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन और ट्राइकोफाइटन, और बेस्ट कंडीशन कौन सी इसके लिए, हीट और मॉइस्चर, पास में कुछ, और बताया था यहाँ पे जो क्या नाम है, टाइफाइड होता है, कौन सा टेस्ट होता है इसके लिए बुलाओ, हाँ विडाल टेस्ट होता है ना, कौन सा होता है, विडाल टेस्ट होता है, टेम्परेचर कितना यहाँ पे रहता है, 39 से 40 डिग्री लगातार बना रहता है ना, और दूसरी बात बताया था सेक्सुअल स्टेज कहाँ बनता है, ह्यूमन में बनता है कि मॉस्किटो में, हाँ ह्यूमन के आरबीसी में बनता है सेक्सुअल स्टेज, लेकिन फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, सलाइवा में नहीं, हाँ
मॉस्किटो के गट में है ना, पेट में होता है, ठीक है। प्राइमरी जो इन्फेक्टिव स्टेज ह्यूमन के लिए, मॉस्किटो के लिए हाँ, कितनी हमने वैरायटी बताई थी प्लाज्मोडियम की, चार। पहला बताओ वाइवेक्स और फाल्सिपेरम, वाइवेक्स मलेरिया और ओविड, है ना, ये चार होती है यहाँ पे। जो सबसे खतरनाक होती, मैलिनेंट होती कौन सी, हाँ फाल्सिपेरम होती है। पास में कुछ, इसको ब्लैक डेथ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लैक डेथ, ठीक। फाल्सिपेरम जो होता है, जो डेथ होती है, उसको बोलते हैं ब्लैक डेथ, ठीक है, सुधार रखिएगा। चलो आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो निमोनिया की बात करें, निमोनिया किससे होता है जरा बताओ, हाँ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिस होता है कि हीमोफिलस इन्फेंट्रिस से, हाँ दोनों से होता है, ठीक है। और सेवियर कंडीशन में क्या कंडीशन बताई थी, हाँ लंग एलुलाई में क्या भर जाता है, फ्लूड भर जाता है, ये तो होता है निमोनिया में, नहीं होता है, यही होता है। अरे भाई सेवियर कंडीशन में जो सिम्टम होता है, जो आपके नेल्स और लिप्स कैसे हो जाते हैं, ग्रे टू लिप सॉरी ब्लू हो जाता है, कैसे होता है, ब्लू हो जाता है, और बाकी इसमें लंग लाइम तो वाटर तो भर ही जाता है, इससे गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता है। बस मैं कुछ डिजेंट्री कौन का सकता है, हमें भी डिजेंट्री, हमें भी डिजेंट्री, हाँ एंटमीबा हिस्टोलेट का, एंटमीबा हिस्टोलेट क्या कार्य करता है, हमें भी डिजेंट्री क्या काज करेगा, सिट्रस कैंकर कौन काज करता है, बैक्टीरिया की वायरस जैंथोमोनास सिट्री, हाँ सिट्रस कैंकर, ठीक है। कॉलरा कौन काज करता है, ट्यूकॉली, ठीक है। और ऐसी बैक्टीरिया अगर आप बताइए जिसमें एम्फीट्राइकस फ्लैजेला होता हो, स्पारुलिना स्पाइरिलम, जो स्पाइरिलम होता है स्पाइरल शेप होते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, फ्लैजेला, कहाँ पे, दो अपोजिट पोल्स पे, इसको बोलते हैं हम लोग एम्फीट्राइकस, क्या बोलते हैं एम्फीट्राइकस, है ना। कोकाई बताया था, विब्रियो बताया था, है ना, एम्फीट्राइकस टाइप में स्पाइरलम बताया था, ठीक है, इसको जाने के लिए, है ठीक है, क्या था सेकंड, मतलब विब्रियो है, बैक्टीरिया की टाइप पूछ रहे हो क्या आप, सेफ स्पाइरल सेफ है ना, कॉकस है, विब्रियो है ना, बैसलाई है, बैसलाई मतलब रॉड सेफ, हो गया चार, चार थे बेसिकली, बात नहीं करो दे देखो। और हमने बताया था यहाँ पे कि जो आपका ये इसमें कैंसर के बारे में बताया था यहाँ पे, कि कैंसर के खास बात क्या है, कि यहाँ पे जो सेल होता है अनकंट्रोल्ड डिवीजन शुरू जाता है। और एक टर्म बताया था कैंसर दो टाइप के थे, एक तो बिनाइन, दूसरा मैलिग्नेंट। जो बिनाइन होता है लोकलाइज होता है, मैलिग्नेंट क्या होता है, वो एक जगह दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाता है, जहां जाएगा वहां कैंसर काज करता है। इस कंडीशन को बोलते हैं मेटाजेनेसिस, क्या बोलेंगे, मेटाजेनेसिस, क्या बोलेंगे, मेटास्टेसिस, मेटाजेनेसिस नहीं बोलेंगे, मेटाजेनेसिस होगा कहाँ पे, ओवेलिया में, टेडोफाइट पड़ेंगे तो वहां मिलेगा, बस में कुछ, इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस, बगल में रख देगा आपको, ध्यान दीजिएगा इससे, ठीक है। मेटास्टेसिस दैट इज द मोस्ट फियरफुल कंडीशन ऑफ द मैलिग्नेंट कैंसर। सेलर ऑन्कोजीन या सी ऑन्कोजीन नॉर्मल सेल में होता है कि इन्फेक्टेड सेल में, नॉर्मल सेल में होता है, और बाद में अगर कोई इंड्यूसिंग एजेंट मिले, एक्सरे वगैरह मिल जाए, अल्ट्रावायलेट मिल जाए, तंबाकू खाना शुरू कर दे, बीड़ी पीना शुरू कर दे, तो उसे क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, क्या है वास्तव में। तो कैंसर होने के लिए हमें कितनी चीज चाहिए, दो चीजें, एक तो उसका जीन और दूसरा उसको इंड्यूस करने वाला कोई फैक्टर, वास्तव में कुछ। कैंसर को ट्रीट करने के लिए तीन मैंने तरीके बताए थे, टेस्ट करने के लिए MRI, CT स्कैन, एक्सरे, सबसे बेटर मेथड कौन सा बताया, क्योंकि वहां पे यूज करते हैं हम लोग, MRI सबसे बेस्ट है, और उसमें यूज करते हैं हाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड करते हैं, इसलिए ताकि इससे कोई नुकसान नहीं होता है, दैट इज MRI, ठीक है। ये हम लोग बात कर रहे हैं MRI की। दूसरी बात हमने बताया था यहाँ पे कि जो बात नहीं करो, ठीक है, टाइफाइड मैंने बताया था यहाँ पे, टाइफाइड में क्या क्या सिम्टम बताया था, और बताओ और क्या सिम्टम था, कॉन्स्टिपेशन था, क्रैम्पिंग होती थी, वीकनेस आएगी, जाहिर सी बात है, और भूख भी नहीं लगी, हेडेक भी हो जाता है, पास में कुछ, ठीक है। आगे हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो ये फायरसिस हो गया, रिंगवर्म हो गया, है ना, और हाँ हमने बात किया था एंटीबॉडीज के बारे में, एंटीबॉडीज हमने बताया यहाँ पे कि एंटीबॉडीज में जो एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट होती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, वो कहाँ पे होता है, एंटर्मिनल सीटर्मिनल, इंटरमिनल होते हैं, कितने बाइंडिंग साइट होता है एक एंटीबॉडी में, दो होते हैं, ठीक है, और एक हैवी एक लाइट चेन के बीच कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड, एक होता है, दो हैवी चेन के बीच में कितना होगा, दो डाइसल्फाइड, टोटल कितने होंगे 16, और कितने फ्री होंगे 12,
12 कितने होंगे? फ्री होंगे। पास में ओपीआईड रिसेप्टर कहाँ कहाँ बताया, बता जल्दी बताओ। ओपीआईड रिसेप्टर कहाँ कहाँ? सीएनएस में होता है कि जीआईटी में? दोनों में होता है। और इसे निकालते हैं, इसको बोलते हैं हीरोइन, और डाई स्टाइल मार्फिन बोलते हैं। दो बार स्टाइलेशन करने के बाद ये बनाते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं मार्फिन में? हाँ, कुल स्टाइल में कितने? कैनाबिस सेटाइवा में कितने होते हैं? 21। कार्बन का नंबर जरूर याद रखना, ठीक है, भूल जाओगे। नाइट्रोजन कितने होते हैं हीरोइन में? एक होता है। ओएच ग्रुप कितने होते हैं? ऑक्सीजन कितने होते हैं? वेरी गुड। ईथर ग्रुप कितने होते हैं? एक होते हैं, ठीक। इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है आपसे। और दूसरी बात, इस नोटिंग या इसको इंजेक्शन के थ्रू इसको लिया जाता है, साथ में बताया गया इसको लेटेस निकालते हैं। पास में किसके? इंफ्लोरेसेंस से, पेपेवर सोमनिफेरम से, ऑपियम पॉपी से। पास में कुछ पेपेवरेसी फैमिली का मेंबर है। ज्यादातर प्रेजेंट टाइम में स्पोर्ट पर्सन लोग किस चीज का यूज कर रहे हैं? ज्यादातर कैनबिनाइड का यूज करते हैं। चरस, गांजा, भांग, ये डिफरेंट टाइप क्या है? कोकेन। क्या है? कोकेन है। क्या है? कैनबिनाइड है। चलो ठीक है, चरस, गांजा, भांग, ये क्या है? ये कैनबिनाइड है। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट इसको हम निकालते हैं यहाँ पे। और बताया था कोकेन की बात करें, कॉमन क्रूक क्रैक बोलते हैं या कोक बोलते हैं। और ये कहाँ का नेटिव है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका? साउथ अमेरिका, भूल मत जाना। कहाँ से निकालते हैं? इरेट्रोजालान कोक का। अब खास जब बताया था इसमें होता है क्या, थोड़ा बहुत होगा तो इसका इफेक्ट क्या? यूफोरिया। और ज्यादा हो जाएगा तो हेलोसिनेशन हो जाएगा, है ना। ऐसे एलएसडी भी होता है, वो भी हेलोसिनेशन कास करता है। इसको ध्यान रखिएगा। मार्फिन का ज्यादातर यूज कहाँ करते हैं? एज ए पेन किलर। पेन किलर होता है, बात में कुछ, टर्मिनल कैंसर में या चाइल्ड बर्थ के बाद जो पेन होता है उसको छुटकारा दिलाने के लिए इसको एज ए इंजेक्शन के तौर पर मार्फिन का यूज करते हैं। ये नार्कोटिक मेडिसिन में आता है। दो टाइप की मेडिसिन पढ़ेंगे आप, नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक। नार्कोटिक मतलब होता है जिसको खाने के बाद लत पड़ जाए, नहीं आगा आंसर। एक कोरेक्स ले आए बोतल, एल्कोहल था, पिए मजा आएगा, ठीक है, खांसी दूर हो गई। अगले दिन, अरे यार कोरेक्स पिया था, चलो आज फिर सब लोग पहुंच गए कोरेक्स में, जितने बच्चे सब पहुंच गए, कोरेक्स एक बोतल दो। कोरेक्स तो बियर से ज्यादा जो है भीड़ वही लग जाए कोरेक्स की दुकान, मेडिकल स्टोर पास ना, इसलिए कोरेक्स इस समय बैन लग गया, पता है तुम लोगों की वजह से। तुम लाते हो, पीते हो, खांसी दूर की बहाना है। कहते क्या हुआ? खांसी हुआ है। पता लगा कुछ नहीं, नशे के लिए पी रहे। बस मैं कुछ मैं तो ऐसा होता है, तो अब इस पर इसलिए बैन लग गया क्योंकि अदर कंपनी देखती रहती है इससे कि क्या नाम है, ऐसा क्या है कुछ ज्यादा सेलिंग हो रहा है। लोग टेस्ट करते हैं, अच्छा एल्कोहल इतना है, कंप्लेन कर दिया, वहाँ पहुँच गया फार्मकोड ट्रांसफर डिपार्टमेंट में, इसमें इसको बैन कर देते हैं, ठीक है। तो खैर ये हम लोग बात करें तो एज ए मेडिसिन तौर पर हो तो बहुत बेहतर है। मेडिसिन के अलावा कोई चीज़ होगा तो उसमें ड्रग अब्यूज में आ जाएगा सारा चीज़। बस मैं कुछ, तो ये थोड़ा खास तौर पे ध्यान रखिएगा। मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, क्या बचा? और कुछ बचा है? एड्स बचा। हाँ ठीक है। सबसे पहला पेशेंट कब देखा गया? 1981 में। कहाँ पे? इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, अमेरिका में। कहाँ पे? यूएसए में। ये किस चीज पे अट्रैक्ट करता है? हेल्पर टी लिम्फोसाइट। किस पे? हेल्पर टी लिम्फोसाइट, को टी एस से लिखते हैं। पास में हेल्पर टी लिम्फोसाइट साथ में मैक्रोफेजेस पे भी अटैक करता है। ये क्या होते हैं? इननेट इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड होते हैं, इननेट ये नहीं होते। इससे इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? कमजोर। तो ढेर सारी बीमारियां, वायरल इन्फेक्शन होगा, फंगल इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरिया इन्फेक्शन होगा, और यहाँ तक जो सबसे कमजोर कौन? टॉक्सोप्लाज्मा, वो भी आके अटैक कर देते हैं। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक अटैक, मौका देख के चौका मारना, नहीं टॉक्सोप्लाज्मा, ठीक है। इम्यून सिस्टम काफी कमजोर हो जाती है। मैंने बताया था यहाँ पे कि मैक्रोफेजेस के अंदर जो वायरस इंटर करता है तो पूरा वायरस इंटर कर जाता है कि नहीं है? कि न्यूक्लियस एंटर करता है, सही है, न्यूक्लियस एंटर करता है, ठीक है। न्यूक्लियस एंटर करेगा और जैसे एंटर करेगा क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बनेगा उससे? डीएनए। क्या बनेगा? डीएनए। ध्यान रखना कि जो हमारा वायरस होता है उसके अंदर होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम। कितने होंगे? एक पेयर होता है। कितना होता है? एक पेयर होता है। साथ साथ में सिंगल स्ट्रैंड जो आरएनए होता है वो भी कितने होते हैं? एक पेयर होते हैं। तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए भी एक पेयर और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम भी एक पेयर होता है। इसको हम आगे बताएंगे आज, ठीक है। जब पूरा एनसीईआरटी खत्म हो जाए तो कुछ एडिशनल चीजें मैं आपको बताते हैं जो पिछले पूछे गए हैं, लेकिन जिनके पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी टीवीएफ पीवाईक्यू करोगे तो उसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, तो भी हम आपको करवा देंगे। खैर तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे एड्स के बारे में। और दूसरी बात हमने बताया था कि जो एड्स के बारे में इसका जो मैंने बताया था कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कितना होता है, इसके सिम्टम कब दिखेंगे? 3 मंथ से लिखेंगे, 5 से लेकर 10 साल तक लग जाते हैं इसके सिम्टम आने में। जब सिम्टम जब तक आएगा नहीं तब तक वो पता नहीं चल पाएगा कि इसको वास्तव में एड्स हुआ है, ठीक है। जुकाम, बुखार, खांसी नॉर्मल लगे रहेगा और आदमी जुकाम, बुखार, खांसी इलाज करता रहेगा, ठीक। ये कुछ बात हम लोग यहाँ पे कर रहे थे।
इसके बारे में, एड्स के बारे में, ठीक है। और कुछ बचा है यहाँ पे? हो गया, चलो आगे स्टार्ट करते हैं, फिर आज खत्म करते, कुछ इस अलग से एक्स्ट्रा पढ़ाना है चीजें, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मच्छर हो गया, मक्खी हो, क्या बचा इसमें, ठीक है। चलो हाँ, कैनाबिनॉइड में जो हमने फिगर बताए थे उसमें कितने मिथाइल ग्रुप बताए थे? मिथाइल ग्रुप कितने? दो की एक, हाँ यहाँ देखो दो थे, एक ऊपर था एक नीचे था, साथ साथ पेंटाइल ग्रुप कितने थे? एक था। और OH ग्रुप कितने थे? दो, दो OH ग्रुप यहाँ पे लगे हुए थे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कौन सा फिलोटॉक्सी था यहाँ पे कैनाबिनॉइड में, कितने, कौन सा फिलोटॉक्सी था? बल्स होता है फिलोटॉक्सी, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अब आते इसके आगे, अच्छा एडोलेसेंट पीरियड बताओ कितना होता है? 15 से 24 साल नहीं, हाँ 12 से 18 साल। कौन सा पीरियड होता है? एडोलेसेंट पीरियड, जहाँ पे जो जुवेनाइल फेज से एडल्ट फेज में वो जा रहा होता है ना, फेज की इंटरमीडिएट फेज होती है। और हमने बताया था 15 से 24 साल जो होती है, ये किस लिए बताया था? एड्स के लिए नहीं, सारे स्टडी के लिए, पास में स्टडी बीमारी फैलने के सबसे खतरा कहाँ होता है? 15 से 24 साल, ये कह रहे हैं वही एज ग्रुप है जिससे आप भी बिलोंग करते हैं। अब आते हैं आगे, प्राइमरी लिम्फोइड ग्लैंड कौन कौन से थे? कौन कौन सा? बोन मैरो और गुड आफ्टरनून फाइटर गेमर, हुई फाइटर गेमर, इसमें कोई है? मुरली, जस्ट लाइक मुरली मनोहर जोशी, इधर देखो। अभी हम लोग बात करते, देखो देखो कहां तक थे यार, इसमें ये हो गया था ना इफेक्ट ऑफ ड्रग, बिल्कुल बीज हो गया था ना, जाओ उधर, ठीक है यहीं से है। ये तो है, बोलो मुरली, ओके मुरली, मुरली तो मैथ पढ़ते हो यार, मुरली मैथ पढ़ता है ना, तो बायोलॉजी में है यार, इरादे क्या है? कुछ नहीं, बायोलॉजी का स्वाग है ना, देखो यहाँ यही तो है, यहीं से था ना, बोली ना लड़की का, अच्छा ओके बातें मत करो, इसमें लटका दें, इसमें मिनट लगाए, फांसी फंदा है इसमें, इसमें जो कोई बात करेगी इसमें लटका देंगे, शहीद हो जाओगे, ठीक है। देखो ज्यादा बोले फिर क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे, तो लोग पूछ लो सर, पूछ लो, फिर तैयारी रहते कि हाँ हमसे क्वेश्चन पूछे, है ना। देखो इधर, दोज हु टेक ड्रग इंट्राविनसली, हमने बताया था ड्रग तीन टाइप से दी जाती है इंजेक्शन के तौर पे, एक इंट्राडर्मल होता है, एक इंट्रामस्कुलर होता है और एक इंट्रावेनस होता है। इंट्रावेनस इसे डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इंट्राडर्मल आपके जो डेल्टॉइड मसल होगा यहाँ पे इंजेक्शन लगता है आपके हाथ में, और इंट्रामस्कुलर पीछे लगा सकते हैं बैक पे, ठीक है। तो तीन टाइप के होते हैं, ये कह रहे हैं कि ड्रग इसमें जो सबसे फास्ट एक्शन होता है वो इंट्रावेनस का होता है, इंट्रावेनस का होता है फास्ट एक्शन, लेकिन कुछ इंजेक्शन जो उसमें जैसे डाइक्लो, डाइक्लोफेनेक, डाइक्लोसाइक्लोमिन, ये सब नहीं दे सकते इससे, क्योंकि इससे क्या होता है उसकी जो इंटेस्टाइन फटने का भी डर रहता है, हार्ट फेल हो सकता है, तो इसको अवॉइड किया गया है कि आप इंटरवेनस में दे सकते। तीन मेडिसिन है, ठीक है, डाइक्लो है और आपका ये डाइक्लोसाइक्लोमिन, डाइक्लोफेनेक और पीसीएम है आयु, ठीक है, इसको आप नहीं दे सकते, बाकी आप दवा दे सकते हो। यहाँ देखो इंट्रावेनसली मतलब इंट्रावेनस, इसमें खास बात है कि जैसे आप डालो विद इन आई होप 2-3 मिनट में आपको आराम मिल जाए, कितना भी तेज दर्द हो, कितना भी तेज दर्द हो तुरंत आपको आराम मिल जाएगा, इसमें इंट्रावेनस। लेकिन यहाँ पे कर क्या रहे हैं देखो जरा, जो कह रहे हैं कि जो नशेड़ी वगैरह होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, चुलमती रहती है, फटाफट लेके आओ, ठीक है, लगा जाए यहाँ पे इंजेक्शन तुरंत, वाह क्या मजा आ गया, घूम रहे नशे में, है ना, वैसा हो जाता है। तो ये इंट्रावेनस लगाते हैं, और इंट्रावेनस लगाने से क्या होता है, एक आदमी सारा, मैंने बताया सारा पैसा किसमें जाता है, खरीदने में, ड्रग खरीद ले आए, अल्कोहल खरीद ले आए, ठीक है, और सिरिंज खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो क्या करेंगे, देखो तो कह रहे एक ही सिरिंज से सारे लोग काम चलाते हैं, पहले एक लगाएगा फिर दूसरा लगाएगा तीसरा लगाएगा, और एक को किसी का अगर एसटीडी हुआ, एक बीमारी हुई, तो समय क्या हो जाएगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा। वही कह रहे हैं कि दोज हु टेक ड्रग इंटरवेंशनली डायरेक्ट इंजेक्शन इनटू द वेन यूजिंग अ नीडल एंड सिरिंज, नीडल या सिरिंज का यूज करके, आर मच मोर लाइकली टू एक्वायर सीरियस इन्फेक्शन लाइक एड्स एंड हेपेटाइटिस बी।
ठीक है, तो एड्स और हेपेटाइटिस बी के लिए क्या बताया, इंट्रावेनस इंजेक्शन। मैं तो इंट्रावेनस इंजेक्शन जो लगाते हैं सबसे ज्यादा सीरियस केस यहाँ पे होता है। अच्छा ठीक है, नीट और जेई दोनों करते हो, अरे वाह क्या बात है, ऐसा भी हाँ हाँ ठीक, जैसे आईसी बोर्ड में तो होता ही है, मैथ बायो दोनों लेते हैं, है कि नहीं? ठीक है, अच्छा है, गुड। तो क्लास भी तो आया करो, लाइव क्लास भी आया करो, यहाँ दुगना मजा है, लाइव क्लास आया करो। देखो कह रहे हैं कि एड्स और हेपेटाइटिस बी का खतरा सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कि अगर वो इंजेक्शन ले रहे हैं यहाँ पे इंटरवेनसली तो वहाँ सबसे ज्यादा होता है। ठीक, देखो द वायरसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज आर ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल एंड सीरिंज। जो नीडल होगा इन्फेक्शियस सीरिंज से, वो जो है शेयरिंग करने से चीजें बीमारी ये फैल जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, इंट्रावेनस इंजेक्शन। देखो आगे, अब कह रहे हैं कि बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शंस आर क्रोनिक इन्फेक्शन एंड अल्टीमेटली फेटल। कह रहे जो एड्स होता है और हेपेटाइटिस बी होता है, ये कह रहे हैं क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, क्रोनिक इन्फेक्शन एंड अल्टीमेटली फेटल। क्रोनिक मतलब दो टाइप की बीमारियां होती है, एक एक्यूट होता है, दूसरा क्रोनिक होता है। क्रोनिक मतलब जो बहुत लंबे समय चला आ रहा है, जैसे टीबी, ये रातों रात नहीं होता है कि रात में सो रहा, सुबह उठा में टीबी हो गया, अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो उसको मतलब झूठ बोल रहा है। ठीक, ऐसा नहीं होता। ठीक, इसे अस्थमा हो गया, ऐसा केस नहीं होता तुरंत जो है रात सुबह देखा दो तीन दिन उसको अस्थमा हो गया। ये सब बीमारियां लंबे समय चल रही होती है, आर्थराइटिस, गठिया लंबे समय चल रही होती है। तो कहने जो क्रोनिक इन्फेक्शन है उसी में आता है कौन, जो आपका एड्स और हेपेटाइटिस। तो कह रहे हैं एड्स और हेपेटाइटिस बी जो होता है ये कैसे आता है, क्रोनिक आता है कि एक्यूट आता है, इंपॉर्टेंट है ये क्रोनिक बीमारी है, एक दिन से नहीं होता है, पास में लंबा समय लगा, तो देखा ही आपने 5 से 15 साल लग जाते, 10 साल तक लग जाते इसके सिम्टम आने में। ठीक है, वही कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहली बात, जो एड्स और हेपेटाइटिस बी जो है ये एक्यूट इन्फेक्शन होता है, एक्यूट बीमारी की क्रोनिक है, कैसा है क्रोनिक, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो समझ गए ना बात को, क्रोनिक मतलब जो लंबे समय से आ रही हो, दैट इज क्रोनिक, और जैसे जुकाम हो गया, बुखार हो गया, एक दिन में होता है, तुरंत दवा ले तो ठीक हो जाता, दैट इज एक्यूट। यहाँ देखो, अब करीब बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और इन्फेक्टेड नीडल। अब करें जो दोनों की बात करें, चाहे हेपेटाइटिस बी हो चाहे यहाँ पे आपका क्या नाम है एड्स हो, कह रहे हैं ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से और साथ साथ इन्फेक्टेड ब्लड से ट्रांसफर हो सकता है। ब्लड का ट्रांसफर कैसे भी हो, जिससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया उससे भी हो सकता है और साथ साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी फैल सकता है। चाहे एड्स हो चाहे हेपेटाइटिस बी हो, दोनों सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और इन्फेक्टिव ब्लड से फैलता है। ठीक, सुधार रखिएगा। अब होगा अगर आप कहें द यूज ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग एडोलसेंस, यहाँ देखो एडोलसेंस कह रहे हैं एल्कोहल का यूज करें, मान लो एडोलसेंस मतलब हो गया मान लो 12 साल का है 13 साल का है, ठीक है, और उसके पापा सपोज दैट पुलिस में है, पुलिस लोग उनमें काफ़ी प्रेशर होता है तो एल्कोहल वोल पीते हैं, है ना, इसलिए जिसको पीना हो कृपया करके वो घर के बाहर पिया करे या बच्चों से हट के, क्योंकि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मान लो पापा पी रहे हैं अंदर बैठ के, बढ़िया बढ़िया बोतल दिखा रहे हैं, छोटा बच्चा बैठा हुआ है, और छोटे से बच्चे से कह रहे जाओ ग्लास लेके आओ, वो लेके जाएगा तो भी सोचेगा यार कुछ ना कुछ तो इसमें होगा, मजा आता है, पापा तभी तो पी रहे होंगे, वो क्या होगा फिर वो देखेगा उसको एक दिन दो दिन तीन दिन, लास्ट में किसी दिन मान लो पापा बाहर चले गए तो देखते हैं आज तो बनाया आप पैग आराम से पी लिया उसने, मजा आया, उसके बाद क्या होगा फिर, पहले पापा को पापा देखा यार इसमें मैंने इतना रखा था कम कैसे होगा, पूछेंगे क्या हो गया, हाँ पानी मिला सही कह रहे निकाल के पानी मिला दिया, ठीक है ट्राई तो नहीं किया, याद है अब कह रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद क्या होगा फिर वो बाहर पियक्कड़ निकल जाएगा, फिर कहेंगे मतलब खुद तो पियेंगे बच्चे बुरी बात मत पीना इसको बहुत बुरी बात है, इतनी बुरी तो पी क्यों रहे हैं उसको, है ना, तो बच्चों के सामने इस हरकतें ना करें, ठीक है, क्योंकि बच्चे भी सीखते हैं। यहाँ देखो द यूज ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग एडोलसेंस मे आल्सो हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट, एडोलसेंस में लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, क्योंकि 12-13 साल का बच्चा है उसको कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको अगर आप पिला दोगे तो आगे चल के आने वाले समय बहुत दिक्कतें हो जाएगी, तो पढ़ाई लिखाई सब चौपड़, उसके कैरियर पूरा बर्बाद हो जाएगा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट इट कुड लीड टू हैवली ड्रिंकिंग एंड एडल्टहुड, 12-13 साल में अगर उसने पीना शुरू कर दिया है 18 साल तक आते जाते तो पियक्कड़ हो जाएगा, महापियक्कड़ हो जाएगा, है ना, मान लो तुम एक ग्लास ले रहा हो इतना बड़ा उसमें 10-10 बोतलें उठा लेगा, नहीं है, एक बोतल में एक हाथ में एक बोतल दूसरे हाथ में दूसरा बोतल, एक खत्म होगा दूसरा शुरू, है ना, वही कह रहे हैं एडल्ट में आते आते तो बहुत महापियक्कड़ हो जाएगा। यहाँ देखो फिर इससे क्या होगा, इससे ये होगा उसकी लीवर जो है, देखो
जो एल्कोहल होता है सबसे इफेक्ट कहाँ होता है, लीवर पे होता है। आप तो जो पीने वाला तो पी जाता है, काम किसको करना पड़ता है, तो जो इसको डिटॉक्सिफाई करने काम सारा किसको जिम्मेदारी दिया गया, लीवर को। और कोई भी आदमी को सुबह शाम, सुबह काम कराओ, दोपहर काम कराओ, रात में काम कराओ, फिर रात में कराओ, दिन में कराओ, तो क्या होगा, वो थक जाएगा। और थका हुआ कंडीशन फिर उससे काम कराओ, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लीवर सेल डैमेज होना शुरू कर देगी। तो लीवर सेल डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, तो आप उसे लगातार काम कराते हैं तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है, लीवर पे काम होता है। देखो कह रहे कि द क्रोनिक यूज, यहाँ देखो क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग, ये कई बार पूछा गया, क्रोनिक मतलब बहुत ज्यादा, यूज ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सॉरी एंड एल्कोहल डैमेज नर्वस सिस्टम एंड लीवर, ये नर्वस सिस्टम और लीवर को डैमेज करता है। और नर्वस सिस्टम के कौन से पार्ट पे अटैक करता है बताओ, कोई बताएगा? ओह क्या बात है, देखो यहाँ पे नर्वस सिस्टम कौन से पार्ट पे काम करता है, व्हाई यू आर डिस्कार्डिंग प्रभात, बिकॉज ही इज बीमार, वेरी गुड इंग्लिश एंड अंग्रेजिंग देखने नाउ रन अवे फ्रॉम दिस इंडिया, दिस बाय दैट इंडिया बिकम फ्री फ्रॉम अंग्रेज, है ना, ये बढ़िया है, अंग्रेज इसीलिए भाग गए थे यहाँ के जो इंग्लिश सुन सुन के, नहीं यहाँ के लोग इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते हैं, है कि नहीं। देखो यहाँ पे क्या, देखो आप समझो ध्यान से, नर्वस सिस्टम के कौन से पार्ट पे हा? क्या बोल रहा है, मोतर मोतर कर रहा है, मोतर सेरेबेलम, कौन सा सेरेबेलम, इसी वजह सेरेबेलम क्या करता है, बॉडी को बैलेंस करता है, आदमी देखो लड़का चलता है ऐसे ऐसे झूमता रहता है ऐसे, नहीं वो सेरेबेलम की वजह से होता है, सेरेबेलम डैमेज होता है, बॉडी की जो खराब हो जाती है, ठीक है, तो सेरेबेलम पे अटैक करता है। यहाँ देखो बताएंगे आगे चल के, सेरेबेलम बॉडी बैलेंस नर्वस सिस्टम में काम करेगा, साथ में लीवर करेगा, और लीवर करेगा तो लीवर को डैमेज करेगा, इसको बोलते हैं लीवर सिरोसिस, क्या बोलते हैं, लीवर सिरोसिस। तो एल्कोहल का ज्यादा यूज करने से क्या होता है, लीवर सिरोसिस, लीवर डैमेज होता है, क्या हुआ संजय, कुछ तो हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, तो देखो यहाँ पे तुमको आइसोलेट कर दिया गया लग रहा है, है कि नहीं, आइसोलेट कर दिया गया उसके किनारे, इसलिए बार बार बोले आइसोलेट नहीं करना है ऐसे पेशेंट के साथ, ऐसे पेशेंट के साथ सिंपैथी जताना है, पास में है कुछ, यानी तमाश उस पर अलग कर दो, यहाँ देखो कंफर्ट है, आइसोलेट में कंफर्ट ही रहता है, यहाँ देखो यहाँ पे कह रहे हैं लीवर सिरोसिस, क्या बोलेंगे, लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस क्यों हुआ, क्रोनिक एल्कोहल का यूज करने की वजह से, क्रोनिक एल्कोहल का यूज करने वजह से पूरा लीवर उसका खराब हो गया है, और लीवर दो नहीं है एक ही है, लीवर खराब मतलब आदमी गया, राम नाम सत्य। देखो अब फिर द यूज ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हाँ ये देखो इधर, और हमने बताया कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ही लेते हैं, सी भी को लेते हैं एल्कोहल को, पियक्कड़ और पियक्कड़ाइन, देखो यहाँ पे यहाँ बात कर रहे हैं यहाँ पे दोनों लोग, लेकिन खास बात ये कि ऐसे तो पी रही है, मान लो प्रेगनेंट हो गई तो प्रेगनेंट कंडीशन में भी वो पी रहे हैं तो उससे दिक्कत क्या है कि मैंने बता चुका, देखो यहाँ पे आल्सो नोन एज एडवर्सली अफेक्ट द फीटस, इसे जो फीटस होता है उस पे इफेक्ट पड़ेगा, मम्मी तो मजा आ रहा है लेकिन अंदर जो बच्चा है उसके साथ दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी कि मान लो उसका जो मैंने बताया कि उसके ऑर्गेनाइजेसिस होता है, ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है ना, सिक्स मंथ में क्या होता है बताओ जरा, सिक्स मंथ में क्या होता है, आईलिड सेपरेट आईलेसिस फॉर्म, पहला मोमेंट कब होता है, हार्ड कब बनता है, फर्स्ट मंथ, तो उसके जो ऑर्गन बनते हैं ना, और ऑर्गन किस महीने बनते हैं, डिजिट थर्ड कि सेकेंड, सेकेंड और फोर्थ मंथ में, थर्ड तो था नहीं, फोर्थ में वेल डेवलप हो जाते हैं, तो क्या करेगा उसके जो लिम्स होते हैं, हाथ होते हैं, वो पूरा प्रॉपर बनने से रोक देगा, अगर एक हाथ बन गया एक बने तो बन नहीं बनेगा, फिर वो पैर नहीं बनेगा, हाथ नहीं बनेगा, कान नहीं बनेंगे, समझ गए, ये होता है एडवर्स इफेक्ट किस पे, फीटस पे। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं कृपया करके शराब को हाथ ना लगाएं, पीना भी नहीं है, हाथ लगाने की बात नहीं कर, पीना भी नहीं है, उससे दिक्कत आए किस पे, बच्चे पे, एबॉर्शन भी हो सकता है, ठीक है, मिसकैरेज के चांस भी बढ़ सकते हैं। खैर मैं कुछ तीन लोग बात करें यहाँ पे, लीवर से ध्यान रखिएगा, और प्रेगनेंसी कंडीशन बताया कि इसमें लेना, जो लेने से दिक्कतें हो जाएंगी बच्चे के लिए। खैर इसमें जो अभी तक बताया मैंने आपको, तो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो सेक्सुअल कंटैक्ट और इससे हो जाता है, सिरिंज से इन्फेक्टेड ब्लड से, एड्स और ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, एड्स और हेपेटाइटिस बी,
ठीक है, सेक्सुअल कंटेंट इन्फेक्टेड ब्लड से। एड्स के बारे में तो लोग जानते हैं, हेपेटाइटिस बी के बारे में कंफ्यूजन हो जाता है, इसको मार कर लो। ठीक है, दोनों है बीमारियां। जो हेपेटाइटिस बी होता है ये भी सेक्सुअल कंटेंट इन्फेक्टेड ब्लड से हो जाता है, अगर ध्यान नहीं दोगे तो गड़बड़ कर दोगे। यहाँ देखो ये हो गया, और इसके अलावा साथ में बताया था यहाँ पे इंट्रावेनस, बताया यहाँ पे एड्स और हेपेटाइटिस इंट्रावेनस इंजेक्शन से होता है। साथ साथ बताया कि अल्कोहल का इफेक्ट कहाँ का पड़ता है, नर्वस सिस्टम किस पार्ट पे, सेरेबेलम पे, सेरेब्रम नहीं, सेरेबेलम पे, और लीवर में काम करेगा, इसलिए लीवर सिरोसिस, लीवर में सड़ने लगता है, लीवर सड़ने लगेगा उसी बोलते हैं सिरोसिस, क्या बोलेंगे सिरोसिस। यहाँ देखो ठीक, चलो ये हो गया। वो आप कह रहे हैं कि अनदर मिसयूज ऑफ ड्रग इज व्हाट सर्टेन स्पोर्ट पर्सन डू टू इनहेंस देयर परफॉर्मेंस। मैंने बताया स्पोर्ट पर्सन कौन सा ड्रग यूज करते हैं, कैनाबिनॉइड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं कैनाबिनॉइड, इसलिए डोपिंग टेस्ट की जाती है, और डोपिंग टेस्ट में कोई मिला तो उसको 6 साल के लिए 5 साल के लिए उसको बाहर कर दिया जाता है, डिपेंड ऑन कितना अमाउंट लिया है, कौन सा ड्रग लिया है। यहाँ देखो परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए दे मिस यूज नार्कोटिक एनाल्जेसिक, कह रहे हैं कि ये मिस यूज करते हैं। यहाँ देखो मिस अलग किया है, यूज अलग किया है, तो मिस प्लस यूज इज इक्वल टू मिस यूज। यहाँ देखो यहाँ क्या गया, तो यहाँ क्या कर दिया, मिस यूज कर दिया नार्कोटिक एनाल्जेसिक, और नार्कोटिक एनाल्जेसिक क्या मतलब इसका, हमने बताया दवाइयां दो टाइप की होती है, एक नार्कोटिक दूसरा नार्कोटिक। दवा लेने के बाद आपको उसका अगर लगातार लेते रहे तो आप उसके एडिक्ट हो जाएंगे, आपको लत पड़ जाएगी, जैसे कोरेक्स बताया था हमने, ऐसे जो खांसी जो सिरप आते हैं मोस्टली अल्कोहल डाला जाता है, दिक्कत वहां पर होगी तो उसने अल्कोहल का अमाउंट ज्यादा कर लिया, एक लिमिट होता है उस लिमिट से ज्यादा जो है आप अल्कोहल नहीं डाल सकते। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि ऐसे कोई भी मेडिसिन जिसको लेने के बाद आपको नशाएं लगे लत पड़ जाए दैट इज नार्कोटिक, और ऐसी कोई मेडिसिन जिसको लेने के बाद आपको नशा ना हो कोई लत ना पड़े तो उसको बोलते हैं नॉन नार्कोटिक, जैसे कि पैरासिटामोल क्रोसिन, उसी बात करें फिर दे यूज नार्कोटिक एनाल्जेसिक, कोडीन मार्फिन नार्कोटिक में आते हैं, एनाबोलिक स्टेरॉइड की बात करते हैं, कुछ लोग अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, मसल ग्रोथ करने के लिए, सिक्स पैक बनाने के लिए नहीं, उसके चक्कर में ये इंजेक्शन लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इससे दिक्कतें हैं। खैर देखो आगे एनाबोलिक स्टेरॉइड, दूसरा देखो डायूरेटिक, कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो डायूरेटिक होती है। ठीक है, और कैसे है सर्टेन हार्मोन्स इन स्पोर्ट्स टू इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उससे रातों रात मसल ग्रोथ हो जाए, हीरो बन जाए बिल्कुल नहीं, तो उसके लिए भी लोग मेडिसिन लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, तो कह रहे वो चीजें गलत है। ठीक है, अब कह रहे हैं यहाँ पे देखो, कह रहे कि बल्क एंड टू प्रमोट अग्रेसिवनेस एंड एज ए रिजल्ट इंक्रीज एथलेटिक्स परफॉर्मेंस, जो एथलीट होते हैं जो दौड़ने वाले होते हैं, ठीक है, वो भी मेडिसिन लेते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब करेंगे जो साइड इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, स्टेरॉइड के, ये हम लोग देखेंगे, और कुछ ऐसी फीमेल होती है, ठीक है, जो कहेंगे हम मेल से कम है क्या, बिल्कुल कम हो, देखो यहाँ पे, और क्या करेंगे वो मेल जैसी एक्टिविटीज करना शुरू कर देती हैं, जैसे अल्कोहल पीना, सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है, और अगर कोई फीमेल मेल जैसी एक्टिविटीज करने लगेगी तो ऑब्वियसली उसके अंदर मेल कैरेक्टर तो आएंगे ही, क्योंकि वो चाह रही ना कि मेल बनना, उसकी खुशियां उसकी मनचाही चीजें मिल जाएगी। देखो तो जब वो स्टेरॉइड का ड्रग का यूज शुरू कर देती है तो उस फीमेल के अंदर मेल जैसे कैरेक्टर आने लगते हैं, जैसे उसकी आवाज तेज हो जाएगी, ऐसे बोलना शुरू कर देगी, दूसरा दाढ़ी मूछ शुरू हो जाएंगे, शेविंग करने की शुरुआत हो जाएगी, उनको एक सेविंग क्रीम अलग से खरीदना पड़ेगा, ये सारी चीजें, और जो क्लाइटोरिस होता है वो इनलार्ज कर जाएगी, है ना, तो ये चीजें इसमें होती है। देखो आगे, तो उसमें मेलनेस करेक्टर शुरू हो जाएंगे। कुछ माया फिर से देखो, इधर कह रहे कि जो इंटरवेनस इंजेक्शन होता है उसकी वजह से दो बीमारियां खासकर बहुत ज्यादा फैलती, पहला है एड्स, दूसरा क्या है हेपेटाइटिस बी। ठीक है, दूसरी बात हमने बताया यहाँ पे कि जो एड्स और हेपेटाइटिस बी की बात करें दोनों कैसे होते हैं, क्रोनिक होते हैं कि एक्यूट होता है, क्या बताओगे, क्रोनिक होता है, कैसे फैलता है, सेक्सुअल कंटेंट और इन्फेक्टेड ब्लड से फैलता है। ठीक है, और दूसरी बात बताएं हमने कि एडोलसेंट कंडीशन में जो ड्रिंकिंग करने से बहुत इसके दुष्प्रभाव बहुत खतरनाक होते हैं, और कह रहे हैं यहाँ पे कि इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ होता है, नर्वस सिस्टम पे और लीवर पे, किस पे, लीवर पे, और लीवर जो है डैमेज होने लगेगी, सड़ने लगेगी, इसको बोलते हैं लीवर सिरोसिस। एक्यूट एल्कोहलिक जो एल्कोहल का यूज करते हैं इसको बोलते हैं एल्कोहलिस, उसे क्या होता है लीवर सिरोसिस, कई बार पूछा गया है। तो लीवर सिरोसिस क्यों होता है, अल्कोहल का जरूरत से ज्यादा इंटेक करने पर, सुना है कुछ, तो इस चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है,
और दूसरी बात, जो बहुत सारे लोग जो मिसयूज करते हैं नार्कोटिक मेडिसिन का, नार्कोटिक मेडिसिन में बताया किसके लिए थे, पेन किलर होते हैं, दर्द को राहत दिलाने के लिए इसका यूज किया जाता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं इसका मिसयूज करने लगते हैं, ठीक, नॉर्मल में भी ये इसका यूज करना शुरू कर देते हैं। अब देखो क्या करें आगे, कौन कौन सी बीमारी बताई, एड्स और हेपेटाइटिस बी। लीवर सिरोसिस किससे बताया हमने, बोलो। और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर अल्कोहल यूज करती है तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी, उससे फीटस से फर्क पड़ेगा, और फीटस के जो ऑर्गन होते हैं कोई ना कोई पार्ट जो है नहीं बन पाएगा, कंप्लीट नहीं बन पाएगा, ठीक है। बहुत सारे आपको बच्चे मिलेंगे जिनकी अंगुलियां जो है वो कम रहती हैं, पैर से नहीं बन पाते, पैर जुड़ भी सकते हैं, ऐसी सारी चीजें हो सकती है। खैर, इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखो तो कह रहे हैं कि यहाँ पे स्पोर्ट्स टू इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ एंड बल्क का प्रमोट, यहाँ देखो कह रहे हैं साइड इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ एनाबोलिक स्टेरॉइड, क्या देखो यहाँ पे साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं, एनाबोलिक स्टेरॉइड इन फीमेल, ये एनाबोलिक समझते हो, एनाबोलिक समझते हो, क्या होता है, हमने बताया मेटाबोलिज्म के दो प्रोसेस है, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म में बड़ा सा अमाउंट छोटा बनता है और एनाबोलिज्म छोटे से बड़ा बनता है, छोटी छोटी चीजें ग्लूकोज को मिला के ये किसमें चेंज कर देगा, फैट में, और फैट में से वो थोड़ा सा मसल ग्रोथ में हेल्प करता है, इसलिए बोला गया एनाबोलिक स्टेरॉइड। यहाँ देखो इंक्रीज एग्रेसिवनेस, यहाँ देखो चीज़ का फीमेल अगर कोई यूज करती है साइड इफेक्ट क्या है इसमें देखो, ठीक है, इंक्लूड क्या क्या देखो, मैस्कुलिनाइजेशन, मतलब क्या है इसका, मैस्कुलिन मतलब मेल जैसे करेक्टर, दैट इज मैस्कुलिनाइजेशन, यहाँ देखो फीचर लाइक मेल्स, उसमें मेल जैसे करेक्टर, अब हरकतें वैसे कर रही हो, ग्रेट है ना, तो जाहिर सी बात मेल करेक्टर तो आएंगे आएंगे, है ना, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, उनकी आवाज तेज हो जाएगी, इसे लग रहा है कि ठाकुराई नहीं ठाकुर साहब बोल रहे हैं, यहाँ देखो मेल, अब करें यहाँ पे मूड सिंग, मूड बदल जाएगा, गुस्सा बहुत तेज आएगा, है ना, और गालियां देंगे कैसे, मेल के तरीके से गालियां देना शुरू कर देंगे, ठीक है, डिप्रेशन में जाएंगी, नहीं है एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, जाहिर सी बात है आप फीमेल कहाँ रही वो, है ना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसा हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड बॉडी, फेस का मतलब क्या, दाढ़ी मुछाना शुरू हो जाएगा, है ना, तो कह रहे हैं एक्सेसिव ग्रोथ शुरू हो जाएगा हेयर का कहाँ पे, ऑन द फेस एंड बॉडी, बॉडी पे भी होते हैं मेल जैसे होते हैं, है ना, एक्सियल हेयर जस्ट लाइक टू पीबिक हेयर आल्सो। अब कह रहे हैं कि इनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस बढ़ जाएगी, देखो क्लाइटोरिस यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक, आगे देखो डीपनिंग ऑफ वॉइस, डीपनिंग ऑफ वॉइस मतलब जो आवाज होती है काफी भारी भारी हो जाएगी, ठीक है, जैसे लड़कों जैसे बोलती है, ठीक है, आपको अकुल आपको दिख भी जाएंगे, कोई फीमेल ऐसी भी होती है उनकी आवाज पता नहीं चल पाती है कि मेल बोल रहा है कि फीमेल बोल रही है, नहीं सुना कभी, देखा होगा कोई उनकी आवाज ऐसे लगता है मेल जैसे लगती है, नहीं, देखो आगे, खैर तो डीपनिंग ऑफ वॉइस ये मैंने जो बताया है फीमेल में बताया है कि फीमेल अगर ड्रग और अल्कोहल का यूज करते क्या क्या सिम्टम आएंगे, देखो पहले बताओ इंक्रीज एग्रेसिवनेस पहला बताया यहाँ पे, दूसरा क्या बताया हमने मूड स्विंग हो जाएगा, और क्या बताया हमने डिप्रेशन में जाएंगे, और क्या बताया एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा, और क्या बताया एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड बॉडी, इनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, डीपनिंग ऑफ वॉइस, ठीक है, तो ये कुछ बातें यहाँ पे कर रखते हैं, डिग्री वाइज सिम्टम याद रहेंगे, फिर से क्या बताया जा रहा था फीमेल में, इंक्रीज एग्रेसिवनेस पहला बताया, मूड स्विंग, और क्या बताया डिप्रेशन, और क्या बताया एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, और क्या बताया एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस बॉडी, और इलाजमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, ठीक है, तो ये है हमारा साइड इफेक्ट और यूज ऑफ एनाबोलिक स्टेरॉइड, इसे कोड बनाओ फटाफट जल्दी लिखें, क्या बने बताओ, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, ठीक है, मूड स्विंग, ठीक है, डिप्रेशन, ठीक है, और क्या देखो एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, एक्सेसिव हेयर, ठीक है, ग्रोथ ऑन द फेस एंड बॉडी, इनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, इनलार्ज क्लाइटोरिस, और डीपनिंग ऑफ वॉइस, ठीक है, बताओ, तो
क्योंकि इसमें पूछ सकता है अगर ये कोई फीमेल यूज करती है साइड इफेक्ट क्या होगा एनाबोलिक का, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं ना। तो अगर आप थोड़ा सा सेंटेंस याद रहेगा कुछ तो आप उसमें गेस कर ले जाओगे, अदरवाइज बरूर तो पूछेंगे याद तो हो जाएगा आपको। बताओ क्या बन रहा है इसमें, इसे बनाओ, डबल ई है, एम ए डी मैड, डेट एम आई, हाँ सही करो, देखो डी ई ए डी डेट, हाँ ठीक करो, ठीक है ये हो गया। एक बचा हुआ ना ई एम आई, ठीक है ठीक है, याद रहेगा ये किसी मूवी का नाम हो गया जैसे, नहीं है डेड ई एम आई, जाहिर सी बात है सब गंदी चीजें हैं, इसे आगे बात जाना क्या, देखो आप है ना, तो डेड ई एम आई से याद करिए, याद रहेगा, तब डरावना नाम है ना इसका, याद ही रहेगा, डरावने करेक्टर भी है, सोचो डरावने नाम भी है, ठीक है। जरा सोचो कोई लड़की आपके पास आए और वो जो है दाढ़ी मूंछ के साथ आए, आप डर जाओगे नहीं, है ना, दाढ़ी मूंछ के साथ आ जाए बिल्कुल बड़े साथ सरदार जी की तरह, देखो देखो। तो ये डेड एम आई से याद कर लेना, इसको याद रहेगा, इसको आज से रिजर्व कर दिया, रजिस्टर्ड है ना डेड एम आई, ठीक है। और ये क्या है बताओ, ये डेड एम आई क्या है, ठीक है, एनाबोलिक स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट बताया, ठीक है, तो मसल ग्रोथ के लिए करती हैं, फीमेल भी कहती हैं हम मसल ग्रोथ बनाएंगे, सिक्स पैक बनाएंगे, है ना लड़कों की तरह, तो लड़कों की तरह बिहेवियर हो जाएगा इसका। देखो तो डेड एम आई याद करिएगा। अब कह रहे हैं यहाँ पे देखो इसके अलावा देखो क्या है, मेल में क्या आता है, ये मैंने किसमें बताया, फीमेल में, फीमेल में याद करिएगा डेड एम आई से, ठीक है, किससे, डेड एम आई से। अब देखो आगे, अब यहाँ पे अगला हमारे पास किसमें, मेल में देखते हैं, मेल में क्या क्या चीजें होती हैं, देखो कह रही कि इन मेल्स इंक्लूड इकने, इसे मुहासे निकल आएंगे, देखो यहाँ पे क्या निकलेगा, मेल की बात कर रहे हैं तो मेल में क्या होगा, इट इंक्लूड इकने, मुहासे निकल आएंगे, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, इनकी एग्रेसिवनेस तो वैसे भी रहती ही ज्यादा है लेकिन और एग्रेसिवनेस हो जाएगा, ठीक है, छोटी छोटी बात पर लड़ाई करना शुरू कर देंगे तो इंक्रीज एग्रेसिवनेस हो जाएगा, है? और क्या देखो यहाँ पे, मूड स्विंग, मूड स्विंग मतलब ये होता है थोड़े समय के लिए आपको बढ़िया आराम से बात करते रहेंगे, हेलो कैसे हो, कहाँ से आए, पढ़ाई कैसे चल रही, अचानक क्या हो गया, पगला जाएगा, कैसे यहाँ बैठे हो, तुरंत शॉर्ट टेम्पर को आप लोग बोलते हैं, अरे पागल लगे लेके, अभी तो ठीक था, अचानक क्या होगा, इसको क्या हो जाएगा, मूड स्विंग तुरंत बदल जाएगा, डिप्रेशन नो डाउट होगा, रिडक्शन इन साइज ऑफ टेस्टिकल, टेस्टिकल का साइज बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली स्पर्मेटोजेनेसिस भी घट जाएगा, ठीक है, खैर इंपोर्टेंसी की तरफ जाएगा, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, और स्पर्म प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, टेस्टिकल का साइज भी कम होगा तो स्पर्म का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, कहां होता है स्पर्म का प्रोडक्शन, स्पर्मेटो, अरे यार टेस्टिस में कितने टेस्टिस होते हैं, कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल, 250, एक टेस्टिस में, एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल, अरे 250, और कितने, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक से तीन, ऐसे बोलो ना, और टेस्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बताया था हमने वहां पर कितने टाइप की सेल पाई जाती है, दो टाइप की, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल, सर्टोली सेल का काम क्या बताया, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, और मेल जर्म सेल क्या बनाएगा, बहुत सही याद है, देखो छा गए, देखो छा गए गुरु, यहाँ देखो रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ टेस्टिकल कम हो जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस भी कम हो जाएगा, ये किससे है, एनाबोलिक स्टेरॉइड का यूज, जो लंबे लंबे मसल ग्रोथ करते हैं उसके साथ, देखो क्या क्या चीजें होती है, और मैं कुछ तो ये भी चीजें देख लें जो मसल ग्रोथ करवा रहे हैं, खैर उसके बाद ये भी दिक्कतें इसके होती हैं, खैर अब कह रहे हैं पोटेंशियल ऑफ किडनी एंड लीवर डिसफंक्शन, और क्या क्या देखो यहाँ पे, हाँ दूसरी बात कह रहे हैं पोटेंशियल ऑफ किडनी एंड लीवर डिसफंक्शन, जो किडनी और लीवर जो है आपने सुना होगा, अभी जल्दी में एक लोग का डेथ हो गया है, कलाकार थे भाई साहब, ठीक है, तो उनको भी कुछ प्रॉब्लम थी, है ना, तो कोई भी रातों रात शुरू होता है उनको कि मान लो 50 साल हो गया, रात में विचार आया था मैं भी सलमान खान जैसे करता हूँ, ठीक है, अब जाके शुरू कर दिए वो 1 क्विंटल का वजन उठाना कि आज रातों रात 1 हफ्ते के अंदर बना लेंगे,
सलमान खान आज से कर रहा है, वो जब छोटा था आई वो 15-16 साल तब से वो कर रहा है लगातार। इवन वो जो जेल चला गया तब भी वहां कर रहा था। इस मामले में तो डिसिप्लिन देखने वाली बात है। जो बंदा जो जेल हो गई उसको, वो नहीं काला हिरन वाला केस में तो जेल के अंदर अपना सब लेके सामान चला गया था, वहां पे बढ़िया जिम बढ़िया कर रहा है, मैंने गजब यार। तो कहने मतलब उसके अंदर एक डिसिप्लिन है ना, डिसिप्लिन से काम कर रहा है कि सब कुछ छूट जाए लेकिन डिसिप्लिन उसका जो बनाने को वो नहीं छूटता है। तो वो आज से नहीं कर रहा है, बचपन से काफी टाइम से कर रहा है और रेगुलर करते रहते हैं। तो ऐसे लोग जो है रेगुलर करते रहते हैं, लेकिन 45 साल में जोश चढ़ा गया उनको कि हम सलमान खान जैसे बने गए तो क्या होगा फिर? जाहिर सी बात है जाना तो है, हार्ट फेल हो जाएगा, लीवर फेल हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी। ठीक है, हार्ट के केस ज्यादा आते हैं, उसी में एक केस यहाँ पे जो मुझे लगता है चीजें हो सकती है। खैर, किडनी एंड लीवर डिसफंक्शन, किडनी और लीवर प्रॉपर तरीके से काम करना बंद कर दी, किडनी फेल भी हो सकती है। ठीक है, आगे देखो, कह रही कि ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट एक चीज, यहाँ देखो, यहाँ पे ये हम किसकी बात कर रहे हैं, मेल में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है, गायनेकोमास्टिया वाले सिम्टम यहाँ पे आ जाएंगे। क्या यूज करने से? एनाब्लिगेस्ट्राइड। ठीक है, यानी गायनेकोमास्टिया वाले प्रीमैच्योर बैडनेस, समय से पहले गंजापन हो जाएगा, बाल उड़ गए, शरीर बनाने के चक्कर में बाल सारे गंवा दिए। यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा, देखो प्रीमैच्योर बैडनेस, समय से पहले गंजे हो गए, सर के सारे बाल खत्म हो गए। बात में कुछ आगे देखो, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, ये खतरनाक पॉइंट है, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड काफी इनलार्ज हो जाएगा और इसमें कैंसर भी हो सकता है। कैंसर होगा तो एक इलाज है, काटो और हटाओ, है ना? तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दिस इफेक्ट, और प्रोस्टेट को हटा दो, आपको पता है प्रोस्टेट कितने सारे काम बताए थे आपको, है ना? जो हमारा सीमेन होता है उसमें बनाने में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसका था, सेमेनल साइकिल, प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा कौन, पैल्पेब्रल ग्लैंड। यहां देखो तो ये कुछ बात हम लोग कर रहे थे, आप ये चीज मैं जो बता रहा हूं, तो प्रॉब्लम कहां है, मेल में कि फीमेल में? दोनों में, दोनों लोग लेते हैं। मसल ग्रोथ कराने के लिए, बॉडी बिल्डिंग करने के लिए दोनों लोग यूज कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो फीमेल हमने क्या क्या चीजें दिखाई वो हमने दिखाया, और मेल में क्या क्या चीजें दिखाई वो भी दिखाया हमने। पास में कुछ तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। खैर, इंपॉर्टेंट दोनों में है। और देखो क्या है, द इफेक्ट मे बी परमानेंट विद प्रोलॉन्ग यूज, और ये जो इफेक्ट है ये परमानेंट भी हो सकता है, एक बार अगर जो भी चीज सिम्टम आ गए तो वो बना रहेगा, फिर चाहे कर भी इसको अलग नहीं कर सकते। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो गया मान लो मेल में, बॉडी बनाते बनाते कुछ और ही बन गया, है ना? तो फिर क्या होगा, ये दोबारा जाएगा नहीं, वो कह रहे हैं कि ये परमानेंट भी हो सकता है। परमानेंट प्रोलॉन्ग यूज इन द एडोलसेंट मेल एंड फीमेल सेवियर फेशियल, और चीज देखो यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो डेड ईएमआई क्या बताया था हमने, बताओ डेड ईएमआई क्या था? फीमेल में एनाबोलिक स्टेरॉइड यूज करने की वजह से क्या क्या सिम्टम आते हैं उसकी बात बताया, बताओ जल्दी बताओ, बोलते रहो। इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग, डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी, एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, डीपनिंग ऑफ वॉइस, बस मैं कुछ चलो। और मेल में क्या क्या बताया बताओ, एक ने बताया मुंह से निकलना तो आम बात है, ठीक है, इंक्रीज एग्रेसिवनेस बढ़ जाएगी, मूड बदलता रहेगा, डिप्रेशन होगा, रिडक्शन साइज ऑफ द टेस्टिकल का साइज रिड्यूस हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस भी कम हो जाएगा, साथ साथ किडनी और लीवर भी डिसफंक्शन हो सकता है, फेल हो सकता है, साथ साथ ब्रेस्ट का इलाजमेंट होगा, प्रीमैच्योर बैडनेस, समय से पहले गंजापन और इलाजमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड भी इलाज हो सकता है। इसमें पूछ सकता है कि इसमें कौन से सिम्टम पूछे तो ठीक है, कौन से सिम्टम पड़ता है, लेकिन अगर ये पूछा इसमें कौन सा सिम्टम नहीं आता है तो वो थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि सारे सिम्टम याद होना चाहिए तभी कर पाओगे, तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर दिस इफेक्ट में भी परमानेंट विद प्रोलॉन्ग यूज इन द एडोलसेंट मेल आर फीमेल, यहाँ देखो एडोल्ट की बात करें, इन एडोलसेंट मेल आर फीमेल सेवियर फेशियल एंड बॉडी एक्ने, अब यहाँ कह रहे जो एडोलसेंट वो ड्रग खत्म, जो ड्रग वाला टॉपिक वो खत्म हो गया। ठीक, आप क्या कह रहे हैं कि जो एडोलसेंट पीरियड होता है चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो उसमें क्या निकलते हैं, मुहासे निकलते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल है, नेचुरल है। यहाँ देखो कह रहे कि एन प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ, ये कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है ये देखो, ठीक है, फेशियल और मुहासे ज्यादा निकलने चाहिए लगे तो इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत ज्यादा हो रहा होता है, क्योंकि वो जुवेनाइल फेस से एडल्ट फेस की तरफ वो जा रहा होता है, इसमें हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत ज्यादा होते हैं, कम ज्यादा कोई हार्मोन हुआ तो उससे दिक्कत आ सकती है, इसलिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर इकने मुहासे ज्यादा निकल रहे हैं तो। और ये मुहासे दोनों निकल सकते हैं, मेल में भी और फीमेल में, लेकिन ज्यादा निकल रहे हैं
तो हार्मोन डिसबैलेंस ज्यादा हो रहा है। उसकी दिक्कत क्या है देखो, कह रहे कि ये दिक्कत मुहासे निकलने से दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ पे देखो, प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर ऑफ द लॉन्ग बोन में रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ। ये कई बार पूछा गया है, प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर, जो बोन होते हैं उसके अंदर उसमें ग्रोथ सेंटर पाए जाते हैं, और ग्रोथ सेंटर में डिवाइड करते हैं तो उससे क्या होता है, बोन की लंबाई बढ़ती है, और बोन की लंबाई बढ़ने का मतलब आदमी की हाइट बढ़ती है। बस में कुछ लेकिन कह रहे हैं कि अगर जरूरत से ज्यादा हार्मोन डिसबैलेंस हो गया समय से पहले तो ये ग्रोथ सेंटर बंद हो जाए, ग्रोथ सेंटर बंद होने के बाद आदमी का पूरा प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। पास में एक बार पूछा गया है कि ये कब होता है, एडोलेसेंट फेज में। तो एडोलेसेंट फेज में जब भी ऐसा कोई होता है, हार्मोन डिसबैलेंस होती है, तुरंत जो है डॉक्टर की एडवाइस लेना चाहिए। ठीक, ये कहने मतलब ये पूछा गया, इंपॉर्टेंट है ये पूछा जाता है, जो ग्रोथ सेंटर कब क्लोज हो जाते हैं, कब क्लोज होने का चांस ज्यादा रहता है, तो क्या बताओ एडोलेसेंट फेज में। ठीक है, सुधार रखिएगा, और उस खासकर फेशियल और बॉडी एक ने भी होता रहता है। ठीक, सुधार रखिएगा। तो प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर ऑफ द लॉन्ग बोन में रिजल्ट इन द स्टंटेड ग्रोथ। लॉन्ग बोन मतलब आपका फीमर हो गया है ना, टिबिया फिबुला लॉन्ग बोन में आते हैं। खैर, ये चीज हो गई यहाँ पे। ठीक है, ये टॉपिक आपका हो गया खत्म। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे फिर से जरा बता दो कि जो फीमेल ने बताया था हमने क्या क्या बताया, बताओ स्टेरॉइड हार्मोन के साइड इफेक्ट क्या होगा, बताए बताओ, मूड स्विंग। ठीक है, आप क्या काम करो इससे बताओ। ठीक है, जो लिखा हुआ ये बताओ। हाँ बताओ, डी फॉर डीपनिंग ऑफ वॉइस, ई फॉर एक्सेसिव हेयर्स, हेयर्स हो गया, ए से क्या हो गया, हाँ डी से क्या हो गया डिप्रेशन, एम से क्या, सॉरी डी हो गया, ए से क्या हो गया, हाँ बिल्कुल, एम से क्या हो गया मूड स्विंग, टी से क्या हो गया, सॉरी आई से इंक्रीज एग्रेसिवनेस हो गया, इंक्रीज एग्रेसिवनेस हो गया। ठीक है, और बात करें यहाँ पे अगर मेल की बात करें तो मेल में ऐसा कुछ है ही नहीं है। देखो वॉइस बढ़ेगा, इसमें कोई दिक्कत ही कर लोगे, मूड स्विंग होगा जाहिर सी बात है, डिप्रेशन होगा ये भी होता ही है। ठीक है, और रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ टेस्टिकल, एक याद रखिएगा टेस्टिकल का साइज कम हो जाएगा, साथ साथ में टेस्टिकल का साइज कम होना है तो स्पर्म काउंट तो कम होगा ही होगा, तो इसको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और किडनी और लीवर फेल हो सकता है तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, किडनी भी फेल हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात कह रहे हैं कि ये ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, ये देखो टेस्टिकल वाला और ब्रेस्ट इनलार्जमेंट वाला, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और समय से पहले गंजापन, प्रीमैच्योर बाल्डनेस, तीन पॉइंट खास पर ध्यान रखिए। क्या क्या, देखो टेस्टिकल का साइज कम हो जाएगा, दूसरी बात ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, प्रीमैच्योर बाल्डनेस, और ब्रेस्ट के अलावा एक बीमारी बताया था हमने, कौन सी, जेनेटिक बीमारी बताया था हमने, क्रोमोसोमल क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम। क्या बताया, क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, यहाँ देखो तो वहां भी चीजें होती है। खैर, इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, और साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड का भी इनलार्जमेंट हो जाता है। तो कहने मतलब आपको ध्यान रखना है सिर्फ ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, ठीक है, टेस्टिकल का साइज और प्रीमैच्योर बाल्डनेस और प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट, ये चार टॉपिक याद रखना, मैं आपको रोज याद करवा दूंगा। फीमेल वाला टॉपिक याद करना जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। खैर, और प्रीमैच्योर समय से पहले अगर ग्रोथ सेंटर बंद हो जाएगा तो बॉडी का डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाएगा, बॉडी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये कब, एडोलेसेंट कंडीशन में, एडोलेसेंट कंडीशन में बच्चे को प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो ग्रोथ सेंटर कहाँ बनेंगे, नहीं बन पाएगा, ग्रोथ सेंटर जल्दी से क्लोज हो जाएगा तो प्रॉपर ग्रोथ बॉडी की नहीं हो पाएगी, तो इसी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। खैर, ये हो गया आपका, अब आते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो हमने अब बीमारी पढ़ ली, क्या क्या दिक्कतें होती है। ठीक, अब सवाल ये है कि इसको हम दूर कैसे करें, उसके बाद हम लोग कर लेते हैं। देखो दूर करने के तरीके, ये क्वेश्चन अगर करो तो आपको मिलेगा, प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर, पूछा कौन सा सेंटेंस गलत है ना, उसमें ऐसे सेंटेंस पूछेगा। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, आप कैसे इसको प्रिवेंशन करोगे, और मुद्दे की बात करें तो आपका चैप्टर जो है पूरी तरीके से लगभग ये खत्म हो गया है। ठीक है, और अभी जो बताएंगे इसमें कोई ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नहीं मिलने वाले हैं अब। ठीक है, जो मिलने थे अब खत्म हो गए वहीं तक। ठीक है, अब देखो, लेकिन हम आपको रीड करके बता देते हैं इसमें कुछ पॉइंट मिलेगा नहीं वैसे। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, और प्रिवेंशन आप जानते हो क्या करना, आपको बीमारी बता दिया भाई, आपको बताया ना अपने स्टेरॉइड यूज करने से ये चीजें दिक्कत होती है तो क्या करो, मत यूज करो, इसमें ऐसी क्या बात है। देखो आगे, द एज ओल्ड एडेज ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बहुत पुरानी कहावत है। व्हाट डू यू मीन द एज ओल्ड एडेज, बहुत पुरानी कहावत है, क्या, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, परहेज इलाज से बेहतर, इलाज से बेहतर क्या है, परहेज। आप परहेज करते रहो कभी आपको इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वही कह रहे हैं द एज ओल्ड एडेज मतलब एक पुरानी कहावत है, क्या, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, होल्ड ट्रू हियर आल्सो। सबसे अच्छी बात है कि आप उसको प्रिवेंशन करो, यहाँ देखो
इट इज ऑल्सो ट्रू दैट हैबिट सच एज स्मोकिंग टेकिंग, आपको पता है स्मोकिंग क्या क्या दिक्कतें हमने बताए थे आपको, इम्फाइसिमा है ना, बहुत सारे लंग कैंसर है ना, तो कह रहे हैं आपको पता है किससे चीजें होती, क्यों यूज करो, मत यूज करो। यहाँ देखो, टेकिंग ड्रग और एल्कोहल आर मोर लाइकली टू बी टेकन अप ए यंग एज, मोर ड्यूरिंग द एडोलसेंस, हेंस इट इज बेस्ट टू आइडेंटिफाई द सिचुएशन दैट मे पुश एन एडोलसेंस टुवर्ड यूज ऑफ ड्रग और एल्कोहल एंड टू टेक रिमेडियल मेजर्स वेल इन टाइम। मतलब ये कहने मतलब अगर मान लो बच्चे ही हैं, ठीक है, उनपे खासकर पूरा ध्यान रखो, हमारा बच्चा जा रहा है तो कहाँ पढ़ता है, क्या करता है ना, उस पर याद रखो, खासकर एक दो बच्चे होंगे तो उस पर ध्यान दे जाएगा, लेकिन 8-10 बच्चे तो कहाँ ध्यान दे पाएगा, है ना, एक बच्चा उधर एक बच्चा इधर, और कुछ लोग तो याद ही नहीं रहता कि हमारे बच्चे कितने हैं, ठीक, भूल जाते हैं, पता नहीं 5 है कि 6 मुझे याद ही नहीं है, ऐसे होता है। खैर ऐसा भी होता है, तो कह रहे हैं यहाँ पे, और ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 बच्चे हों या 6 बच्चे हों, ऐसा भी देखा गया जिनके 2 बच्चे हैं वो भी ध्यान नहीं दे पाते, तो जो 8-10 बच्चे वाले उनके ठीक है, उनके तो होता ही हो, ध्यान अवश्य नहीं दे पाएंगे ना, उनको ध्यान से पढ़ा पाएंगे ना लिखा पाएंगे, है ना, वो तो चीज़ अपनी जगह खुद ठीक ही है, लेकिन 2 बच्चे जिनके होते हैं उनके साथ भी दिक्कत होती है, वो भी ध्यान नहीं दे पाते, कैसे, कोई केस बताओ, खासकर ये जो होता, बताओ कहाँ भेजिए, हाँ जैसे खासकर ये जो मैंने देखा आप जरूर, डॉक्टर वाले केस में ज्यादा होता है, वो डॉक्टर प्रोफेसर में टाइम बड़ा दिक्कत होता है ना, और भी गवर्नमेंट जॉब, इसे मान लो वाइफ और हस्बैंड दोनों लोग जॉब कर रहे हो, दोनों और दोनों हाथ से पैसे बटोर रहे हो, ठीक है, खासकर डॉक्टर वाले केस में देखो कि मैडम भी डॉक्टर और हस्बैंड भी डॉक्टर, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि भाई दोनों लोग क्या है, क्लिनिक पे जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहां से छूटे दूसरी क्लिनिक पे जा रहे हैं, वहां छूटे दूसरे हॉस्पिटल जा रहे हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठ रहे हैं, बच्चों को टाइम कहाँ दे पाएंगे, दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, और बच्चे कहाँ बैठे हैं, बच्चों के लिए डाल दिया 4-5 क्या नाम है नौकर, वो देख रहे हैं उनको, उनको खाना भी खिला रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, नौकर लगा रखा, ऐसे बहुत सारे केस में, ठीक है, लेकिन जो चीजें माँ बाप से मिलेगी नौकर से मिलेगा नहीं मिलेगा, वो नौकर तो नौकर तरह होता है, खाना खिला रहा पता नहीं प्लेट धुला कि नहीं धुला उसने, ऐसे ही खिला दिया है, नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ऐसे चीजें मैंने खुद ऑब्जर्व की है, खुद देखा है चीज, ठीक है, और लोग मियाँ भी दोनों लगे हुए हैं, उधर से आया, जब आदमी उधर से आएगा थका आ रहा है, सोया, सोने के बाद सुबह फिर हॉस्पिटल है, ओपीडी देखना है, फिर ओपीडी निकल ली है, तो ये रूटीन उनका डेली रहता है, ठीक है, खासकर जहाँ पे 2 लोग, सिर्फ ना कि मेडिकल में बाकी अदर प्रोफेशन में भी, लेकिन मेडिकल प्रोफेशन इसलिए होता है क्योंकि तो बिजी लाइफ बहुत ज़्यादा होता है, आप बैठे हुए घर पे, मान लो क्लिनिक तो नॉर्मली हो ही जाता है ना, क्योंकि आसपास जो है कोई पेशेंट आ गया, बिल बजा दिया, थोड़ा टाइम मिला सोने के लिए तो पेशेंट आ गया, अब आप जो कसम खा चुके तो आपको देखना तो पड़ेगा ही, तो आप उसको देखना बैठ गए, तो कहने मतलब ये दिक्कत प्रातः रहती है, इसलिए दोनों में से जो मुझे लगता है कि 2 में से 1 ही लोग को डॉक्टर होना चाहिए, नहीं है, और दूसरे प्रोफेशन या तो अलग हो या तो कुछ चीज़ें और हो, दोनों से दिक्कत, बच्चों को ध्यान कौन रखेगा, और अगर कुछ पैसे कमाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को छोड़ दो, है ना, ये दिक्कत होती है। खैर यहाँ देखो आगे कह रहे हैं कि मोर लाइकली, तो ऐसे मेरा मतलब ये है, जरूरी नहीं है कि 8-10 बच्चे हों तभी, 2 बच्चों को भी लोग ध्यान नहीं दे पाते पैसे कमाने के चक्कर में, है ना, देखो खैर यहाँ कह रहे हैं, यहाँ पे टेकिंग ड्रग्स और एल्कोहल्स आर मोर लाइकली टू बी टेकन अप एट ए यंग एज, मोर ड्यूरिंग द एडोलसेंस, हेंस इट इज बेस्ट टू आइडेंटिफाई द सिचुएशन दैट मे पुश एन एडोलसेंस, मतलब ये कहने मतलब है कि बच्चों को ध्यान रखो उसको, कि बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, कोई गलत संगत नहीं लगी हुई है, सारे दोस्तों को नंबर कंटेक्ट में रखो, मान लो कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप पता कर सको किस दोस्त, अगर मान लो यहाँ पे नहीं है तो कहाँ होगा, कहाँ हो सकता है, ठीक है, तो कहते ना दोस्त होगा रमेश उसी अड्डे पे बैठा होगा, पता है, तो एक रहता है कि आदमी कहीं ना कहीं उसका, तो एक होता है कि अगर हाथ देख लो तो वहां मिलेगा आपको 100%, क्योंकि उसमें क्लोजली नाता रहता है ना, गठबंधन दोस्ती रहती है ऐसी, ठीक है, तो वही कहने मतलब है यहाँ पे कि आप उसको पूरा ऑब्जर्वेशन करो, अगर मान लो उनके एल्कोहल वगैरह शुरू कर दिया उसने, आपको कहीं से पता चल गया कि हाँ एल्कोहल शुरू कर दिया, तो ऐसे बात क्या करो, आप संगत अलग करो, कुछ ऐसे एक्टिविटीज में लगा दो उसको, एंगेज रखो ताकि वहां से वो छूट जाए, देखो ठीक है, अब कह रहे हैं यहाँ पे मोर, वही कह रहे हैं यहाँ पे, हेंस इट इज बेस्ट आइडेंटिफाई द सिचुएशन दैट मे पुश एन एडोलसेंट, और ये भी देखो यहाँ पे बच्चे को असब दिक्कतें आई क्यों, वास्तव में एल्कोहल जरूरत क्यों पड़ गई उसको, मतलब वही चीज़ है, आप तो आपको ध्यान नहीं दे रहे हो, बस मान लो जो मैंने 2 केस बताया, आपने ज़्यादा क्लास लगवा दिए, हर चीज़ थोड़ी ना कर पाएगा, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहा, मतलब बगल अम्बेडकर पार्क घूम रहा है ना, रिजल्ट कैसा है, खराब आया, माँ बाप को पचला साइन करने के लिए आता ना रजिस्टर में, उसमें क्या नाम है मार्कशीट में पेरेंट के, तो साइन करने के लिए आया, दिखा अरे ये क्या, 100 में 25 नंबर आ रहे हैं, 30 नंबर आ रहे हैं,
सब रेड रेड पड़ा हुआ है, बोला इधर आओ पढ़ाई नहीं करते हो, अरे मम्मी आ जाएगा अगली बार आ जाएगा। अब वो क्या होगा फिर, प्रेशर डाल दिए, इस बार नहीं तो भेज देंगे तुमको बाहर। अब वो अंडर प्रेशर में आ जाएगा तो क्या उठा लेगा, बिल्कुल। तो आपने कोई ऐसा बाहरी दबाव दिया, ये घर से बाहर निकाल देंगे अगर इस बार नंबर नहीं आए तो धमकी देना शुरू हो जाएगा। 14-15 साल का बच्चा जो है अगर आपको धमकी देना शुरू कर, क्या होगा फिर, वो गलत संगत जाएगा और जाके जो जहाँ पे एक बोतल पी रहा था फिर दो बोतल पिएगा, अरे यार मम्मी ने ऐसा बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। तो ये सारी चीजें दिक्कतें आती है, उसको आप देखो कि कहाँ किस वजह से दिक्कतें आ रही है। यहाँ देखो, ड्रग एल्कोहल एंड टू टेक रेमेडियल मेजर्स वेल इन टाइम, और समय पे आप देख लो उसको, उस समय ऐसा होगा बच्चे होते हैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाएंगे, आप अगर उनको सही से ध्यान दोगे तो बच्चे सुधर जाएंगे, अदरवाइज वो क्राइम की तरफ जाएगा फिर आगे, ठीक है। आगे देखो, क्योंकि समय पर उसका निपटारा करिए। इन दिस रिगार्ड द पेरेंट्स एंड द टीचर्स हैव ए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे पेरेंट्स और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। टीचर भी चीज को देखे कि बच्चा आखिर क्या दिक्कत है उसके साथ, मैंने पहले बताया यहाँ पे कि टीचर का रोल काफी ज्यादा होता है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है क्या दिक्कत है, डिस्कस करो। यहाँ देखो, और पेरेंट की भी जिम्मेदारी बन जाती है, भाई टीचर कब तक देखेगा, तो क्लास में तभी देख पाएगा ना, लेकिन ज्यादातर समय तो अपने घर पर रहता है, तो पेरेंट की जिम्मेदारी बन जाती है, तो घर में पेरेंट की, स्कूल में या क्लास में टीचर की। यहाँ देखो, टीचर हैव ए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंटिंग एंड दैट कंबाइंस विद हाई लेवल्स ऑफ नर्चरेंस एंड कंसिस्टेंट डिसिप्लिन, मतलब उसकी जो देखभाल करने की बात, नर्चरिंग मतलब क्या करना, देखभाल करना, उसको देखभाल की जरूरत होती है। एंड कंसिस्टेंट डिसिप्लिन हैज बीन एसोसिएटेड विद द लोअर्ड रिस्क ऑफ द सब्सटेंस, मतलब ये कि अगर उस पर ध्यान दोगे, देखभाल करोगे, उसको समझाओगे, टीचर भी समझाएगा, तो कैसे हो सकता है कि बच्चा जो है गलत रास्ते में चला जाए इसमें, ठीक। देखो आगे, तो कह रहे हैं यहाँ पे अल्कोहल या ड्रग टोबैको और एब्यूज, सम ऑफ द मेजर्स मेंशन हियर वुड बी पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ अल्कोहल ड्रग एब्यूज अमंग द एडल्ट्स, मतलब ये कहने मतलब है, सीधी सी बात है, पेरेंट्स गार्जियन सब लोग ध्यान देंगे बच्चों पे, तो इन सब चीजों से अगर मान लो पता चल भी गया है तो बहुत दिक्कत की बात नहीं है। ये सोचो कि आपको पहले पता चल गया है, एक स्टेज वो आता है जिसमें लीवर डैमेज हो गया है, किडनी फेल हो गया है, सारे कर्म हो गए उसके, तो उसके मतलब क्या हो गया जब आप जागे, और दो ही बच्चे थे, दोनों सब खत्म, तो उस चीज से बेहतर है कि आपको समय से आप उसको ऑब्जर्व करते रहें। खैर, ये कुछ बातें बात करें यहाँ पे, इसमें ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है जो आपके लिए इस पे क्वेश्चन बने। यहाँ देखो आगे, इससे बात देखो कह रहे हैं यहाँ पे कि इसमें क्या क्या चीजें और भी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। देखो, जैसे पहले बताया गया अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, क्या मतलब इसका, देखो मतलब ये होता है कि जैसे इसका मतलब होता है अपने सहपाठियों का दबाव, जैसे कोई बच्चे स्टूडेंट जो कमजोर है और जो टॉप लेवल पढ़ने में ठीक है, तो क्या करेगा, उससे प्रेशर आ जाता है, मेरे नंबर आ रहे तुम्हारे नहीं आ रहे, नहीं आएंगे कभी, नहीं आएंगे तुम कितना पढ़ो, नहीं आएंगे तुम्हारे, आगे दिखाओ जाने। अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, तो अपने सहपाठियों को दबाव ना करें, ठीक है, क्योंकि अक्सर होता है ये बच्चों के साथ बहुत ज्यादा कॉमन है स्कूल में, और ये बहुत थोड़ा गलत परंपरा भी है। आप देखना, आपने भी कभी जज किया होगा आपके क्लास में स्कूल में, कि अक्सर जो देखा होगा कि आप में क्लास में जो दो बच्चे होते हैं, दो तीन बच्चे खास होते हैं, जो टीचर की नज़र में बहुत ज़्यादा वो हीरो रहते हैं, कुछ भी होगा उन्हीं से दोनों बच्चों, सारा फोकस उनका उन्हीं बच्चों पर रहता है, अल्टीमेटली वो दूसरे बच्चों को जलाते हैं, ठीक है। अरे जो बच्चा पढ़ के आए उसको क्या पढ़ा रहे हो, अभी से जो दो बच्चे होंगे, मैं आओ बता दूं, मैं वो बच्चों के घर में कोई ना कोई लगा होगा पढ़ाने के, मम्मी पढ़ा रहे होगी, पापा पढ़ा रहे होंगे, कोई और पढ़ा रहा होगा, घर में उसको गाइडेंस मिल रहा होगा, तीन बच्चे ने टॉप पर बैठे हुए हैं, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं उस पर किसी का ध्यान नहीं रहता, उन्हीं तीन बच्चों पे दो बच्चों पूरा साल उनका ऐसा लगता है, उन्हीं दो तीन बच्चों की फीस मिलती है टीचर को, बाकी बच्चों फोकस नहीं रहता। अच्छा, वो बच्चे क्या होते हैं, डिप्रेशन चले जाते हैं, क्या टीचर भी यार देखो, और कोई पीछे का बच्चा कोई पूछेगा तो देखो जला जाएंगे, गधे कहेंगे तुमको ये नहीं आता, अरे और दूसरा, अरे बेटा आओ बेटा क्या दिक्कत, ये दोहरा जो चरित्र है, आपने भी जज किया होगा चीज को, ठीक है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, अरे यार चलो समझ गए। सच बताऊं कि सबका जो मैंने बताया कि मेंटल लेवल सबका सारे बच्चों का एक जैसा होता है, किसी की कम ज़्यादा नहीं होता है, ये दिक्कत यहीं पे आ शुरू हो जाती है कि स्कूल में जो टीचर जो रवैया होता है वो बड़ा अजीबोगरीब टाइप का है। अरे उस बच्चे को देखो, जैसे तीन बच्चे टॉप कर रहे हैं तो उनको छोड़ो, वो तो टॉप करेंगे करेंगे, लेकिन जो बच्चा कमजोर उसको उठाओ, उसको बराबर लेके आओ, वो चीज़ें वहाँ पे नहीं रहती। धीरे धीरे क्या होगा, बच्चा वहाँ पे स्कूल लेवल पे कमजोर हुआ, फिर आगे बढ़े कंपटीशन जाएगा वहाँ भी कमजोर होगा, तो कहने मतलब ये धीरे चीजें उसकी कमजोरी वो इकट्ठा होती चली जाती है। वही कह रहे हैं आप देखो अवॉइड, और आप भी बच्चे भी सोचते हैं यार ये बताओ ऐसा क्या है, कोई टॉप करता है और हम इतना पढ़ते हैं लेकिन हमारा नंबर ही नहीं आता, होता है, तो
तो ऐसा होता है, तो बच्चा क्या समझ उसको लगता है हाँ मान लेगा यार मेरा लग रहा है दिमाग ही कमजोर है सही इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, मान लेगा वो। ठीक है अब देखो, तो कहने मतलब यहाँ पे ये यह है, जैसे मैं अपने दोस्त की कहानी सुनाऊँ, वो हमेशा डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था उसने, ठीक है रावली में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, और उसके साथ ये था कि क्योंकि हम लोग किस क्लास के साथ में थे तो अच्छा पढ़ने में बहुत टॉप था, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस साइकोलॉजी पुस्तक विज्ञान मतलब कोई भी चीज़ ऐसा नहीं था जिसमें टॉप न करता हो, और हम भी सरप्राइज रहते यार ऐसा क्या, और कोई टीचर पूछे कुछ भी पूछे जुबान पे हम पता सोचे क्या करता है यार ऐसा कि इसको सब कुछ याद रहता है, भाई एक सब्जेक्ट कोई कमजोर तो होना चाहिए, वो सब कुछ नहीं था, इंग्लिश हिंदी सोशल साइंस सब कुछ टॉप, कुछ भी पूछे टीचर जवान पे, हम भी सोचने लगे मैं ये लगा था यार लग रहा है हम इतना पढ़ते हमें तो नंबर नहीं आता इसका ऐसा क्या क्या आता रहता है। उसके बाद अचानक केस हुआ हमें उससे घर चला गया NTPC, ठीक है मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है अभी, ठीक है तो जब उसके घर गया तो हमने देखा उसको क्या नाम है कि उसके भैया इंजीनियर हैं NTPC में थे और डंडा लेके पढ़ा पढ़ा रहे हैं उसको, और पता चला कि जो दिसंबर नवंबर में जो हम लोग पढ़ाई टॉपिक चल रहा था और बंदा गर्मी की छुट्टी में खत्म कर चुका था, जून में ही पूरा सिलेबस खत्म, हम लोग साल भर में पढ़ने वाले थे जो खत्म होता है ना होता, वो बंदा जून में खत्म कर दिया था पूरा सिलेबस ही पूरा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जितना भी सब खत्म था, हिंदी हिंदी सब खत्म था, घर पे भैया पढ़ाते थे उनके, इस वजह से हमेशा वो टॉप करता था, जो चीज़ स्कूल में 6 महीने बाद पढ़ाया जाने वाला है वो ऑलरेडी पहले निपटा चुका था। जब उस दिन मैंने देखा हम भी डिप्रेशन में रहते थे यार मेरा नंबर ही क्यों नहीं आ रहा है और इसका ऐसा क्या है कहता है कि इसका आता है, ठीक है तो फिर वो चीज़ समझ में आई मेरे कि मैंने कहा अच्छा ये बात है। उसके बाद फिर क्या मैंने उनसे बोला भी भैया हमको ही पढ़ा दीजिए, पर बंदे ने पढ़ाया नहीं, पढ़ाया नहीं उन्होंने, मना कर दिया डायरेक्टली, हमने यहाँ तक बोल सकते जो पैसे होते हम दे देंगे लेकिन बंदे ने पढ़ाया नहीं। और बहुत यूनिक बात बताएं, अब वो मेरे से एडवाइस लेते हैं, अब मेरे से एडवाइस लेते हैं कि अपने बेटे के लिए मैं क्या करूँ, लेकिन मैं भूला नहीं हूँ, वो दोस्त मेरा बहुत क्लोज दोस्त है, मेरा बहुत क्लोज दोस्त रियली में मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा लाइफ में मेरे दो तीन दोस्त बने, एक प्राइमरी लेवल पे एक जूनियर लेवल पे यहाँ पे इंटर लेवल पे, वो मेरे बहुत क्लोज में है, ठीक है उससे मैंने बताया, वो भी भैया के उसमें अंडर में था डरता भी था लेकिन भैया ने मतलब पढ़ाया नहीं, उनको एक डर था कहीं इसको पढ़ा दिया तो ये निकल जाएगा आगे, ठीक है ये चीज़ें थी क्योंकि क्लास में तो मेंटेन था पोजीशन मेंटेन थी, किस क्लास से बंदा किसी को आने नहीं दिया पहले भाई, कुछ नहीं 6th में आया 7th में आया 8th में आया 9th में आया 10th में आया 11th में आया 12th में आया 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉप, यूनिवर्सिटी में भी अच्छी रैंक आई जो BSC एग्जाम दिया तो टॉप तो रहेगा ही, जो एंट्रेंस एग्जाम दे सब में निकल रहा है वो, LIC की जब गवर्नमेंट जॉब जो भी डाल रहा है सब निकल रहा है वो, तो कौन निकलेगा आप खुद बताओ, तो वो एक दिन का नहीं है वो उस दिन का है, लेकिन हाँ उस दिन के बाद एक चीज मुझे क्लियर हो गया अपने से शक जो है वो खत्म हो गया भाई, उसको पढ़ाने वाले लगे ऑलरेडी बहुत एडवांस लेवल चल रही चीजें, ठीक है तो निकल रहा था तो मैं अपने लेवल पे काम करना शुरू कर दिया, अपने लेवल मतलब जैसे जैसे मैथ में क्या टीचर की हेल्प चाहिए होता है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे जिसमें टीचर की हेल्प नहीं चाहिए होता है जैसे साइंस है ना, और जैसे हिंदी हो गया है ना, इंग्लिश में चाहिए होता है नो डाउट, जो हम लोग का हिंदी मीडियम रहता था इंग्लिश थोड़ा सा आई होप 6th क्लास से स्टार्ट होता था हम लोग में, ठीक है तो 6 साल तो ऐसे पीछे, अब देखो क्या है तो हमने साइंस पकड़ना शुरू कर दिया, और साइंस मेरा फेवरेट था भी, ठीक है तो हमने क्या कर दिया फिर 24 घंटे सुबह शाम दोपहर वही साइंस वही साइंस साइंस और हिंदी, हिंदी में ऐसा कुछ नहीं होता कॉन्सेप्ट लगाना तो होता नहीं है, फिर क्या हुआ कि हिंदी और साइंस में मेरा टॉप होने लगा, मतलब हिंदी और साइंस में वो टॉप तो रहता ही था नो डाउट, लेकिन फिर मैं पहला चलने लगा उसके, ठीक है लेकिन बाकी में पीछे रहते थे, मैथ मतलब रहता था बट पीछे रहते थे, लेकिन दो सब्जेक्ट ऐसा था कि जितने उसके नंबर आते थे उतना मेरे आने लगे बराबर थे, एक ड्राइंग ड्राइंग में था हम लोग का, ड्राइंग और संस्कृत में ऑप्शन था ड्राइंग में भी पास में कुछ, एक वहां पर लड़का था राजेश जानते हो, इधर ये है आंचल है मीरावली की, अब उसको पता हो तो ये जो वहां पे वो उसके पूरा घरवार जो है ड्राइंग में वो बनाते हैं क्या नाम है पूरा काम होता है उसके यहाँ ड्राइंग का पेंटिंग का, हाँ वो पेंटर छोटा लड़का छोटा सा था उसकी 6-6 अंगुलियां थी, और बंदा आप जैसे बैठे हुए ना पूरी क्लास जो जैसे पोजिशन बैठा हुआ है सबकी वो फोटो बना देते देख देख के ऐसे, वो था आई होप उसके 86 आए थे उसमें है ना, लेकिन हाँ पहले नंबर जो मिलते थे बिल्कुल जेन्यून मिलते थे, आपको पता है यूपी बोर्ड कैसे मिलता था अब तो खैर सब हो गया है, और जो मेरे आए थे आई होप 76 आए थे मेरे मतलब सेकंड पोजीशन मेरी आई थी ड्राइंग में,
और साइंस में फिजिक्स में सॉरी साइंस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और साथ साथ इसमें आपके ये ड्राइंग और हिंदी, हाँ इन तीनों में मेरे नंबर बिल्कुल झकास आए, क्योंकि ये अपने लेवल पे कर सको तो अपने लेवल कर किया हमने। तो कहने मतलब ये है कि आप अपने लेवल पे, जैसे सब में मैं सोचो अगर मैं उसी चीज़ को सोचता रहता कि सब में टॉप पर, तो मैं नहीं कर पाता, कभी नहीं कर पाता, कर ही नहीं सकता ऑब्वियसली। भाई मैथ में टीचर जरूरत पड़ती है, कुछ समझ नहीं आया तो जरूरत पड़ेगी पास में कुछ, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि सारे सब्जेक्ट आपके वैसे होते जिसमें आपको कुछ ना कॉन्ट्रीब्यूशन ना कर सकें। तो हमें लगता है कि मैं जिसमें हम खुद कर सकते थे किया हमने और रिजल्ट भी आया पास में। तो कहने मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे लाइफ में पूरा चीज़ें ऐसी होती है, और क्लास में हमने भी ये चीज़ ऑब्जर्व किया था। तो हम बैठे रहते थे तो जब भी एक वो लड़का रहता था, अब से एक मैंने बताया, एक दोस्त हमारा कह रहे एक फीमेल लड़की रहती थी, उसकी मम्मी जो टीचर, जब भी कुछ होता इधर से उठा लड़की को उधर से उठा लड़के को, उठो 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 उठो, बाकी तो सब ऐसे खाली। हाँ तो पता तुम कुछ बता तो पाओगे नहीं, क्या मतलब तो? ये सब चीज़ें होती थी और मुझे बहुत बुरा लगता था डेली में, क्योंकि हमें गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादातर पढ़े हुए हैं, हमें बुरा लगता कि यार हम लोग क्या पागल है, बैठे हुए टीचर को रिस्पॉन्स नहीं, इस लग रहा हम लोग जानते ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें होती है, वही मैंने बता रहा है यहाँ पे कि कभी भी क्लास में जो बच्चा मान लो कोई देख रहा हो उसको डिप्रेस नहीं होना है, आपके पास ऐसे सब्जेक्ट जिसमें आप टॉप कर सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, जब जहाँ पे टीचर सपोर्ट सपोर्ट जरूरत नहीं भी पड़ सकती है, आप खुद अकेले कर सकते हो। यहाँ देखो तो वे कह रहे हैं जो सहपाठी होते हैं उनको कराते कर यार मेरे नंबर इतने आ रहे तुम्हारे नहीं आ सकते, तो कह रहे हैं उस प्रेशर से बचना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि हो सकता है उसके घर में कोई ऐसा पर्सन हो जो उसको पढ़ाता हो, ठीक है, इस वजह से उसके नंबर आ रहे हैं, वो आपको पढ़ाने वाले नहीं तो नंबर कहाँ से आएंगे। लेकिन हाँ जितने सब्जेक्ट कुछ आप खुद अपनी मेहनत से कर सकते हो तो उसमें आ सकता है। यहाँ देखो अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, हाँ उसमें एक चीज़ और था, जैसे एक क्लास था उसमें मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं बुला नहीं उस चीज़ को, ऐसे एक क्वेश्चन दे दिया था सर ने, क्योंकि मैं क्या पढ़ता था उसको पता था, अच्छा वो जो बंदा है उसको मैथ साइंस इंग्लिश हिंदी सब देखना पड़ता था, तो बर्डन तो ज़्यादा था जाहिर सी बात है। और मेरे साथ क्या था, बस साइंस हिंदी, सुबह साइंस शाम को साइंस दोपहर में साइंस, तो जाहिर सी बात है तो जा समझ सकते हो क्या है। एक क्वेश्चन दे दिया वहाँ पे एक मौर्य जी थे, उन्हें क्वेश्चन दे दिया फर्टिलाइजेशन का, भाई साहब वो फर्टिलाइजेशन जो उसका आंसर जो वहाँ पे था जानते कितना लिख पाते हैं, वो 3 पेज का था, उसमें समझने वाला कुछ नहीं था, सिर्फ रट, आपको पता है आपने भी किया होगा तो रटने वाला था, बहुत सारी चीज़ें आपने कभी समझा नहीं होगा, रटने में काफ़ी दिमाग भी लगता था उसमें, सब लोग रट लो फटाफट जल्दी से और रट भी जाते थे। जो आपकी रटने की स्पीड पहले थी क्या अभी है, नहीं है। वो फर्टिलाइजेशन क्वेश्चन दिया सर ने, बोला कि कल करके आना, 3 पेज का था, और आई हैव उस चैप्टर जो साइंस वाले में वो सबसे बड़ा आंसर था उसका, 3 पेज का सोचो, और सबको दे दिया, सबके लिए तो नॉर्मल सी चीज़ थी लेकिन मेरे लिए चैलेंज बन गया था वो, ठीक है। और भाई साहब विश्वास नहीं करेंगे, तुरंत बैग फेंक दिया मैंने, तुरंत खाना खाया, तुरंत लग गया उसको रट रट के, एक एक लाइन एक एक वर्ड आगे से पीछे तक नहीं हुआ, माँ लिखा तो मेरे तक है, रट रेडी बैठे हुए थे इंतजार कर रहे थे। तो सर ने जो है उनको तो याद था, बोले हाँ कल दिए थे याद हुआ, और कितने बच्चे थे, आइए 70-80 बच्चे थे, ठीक है सब लाइन बैठे हुए हैं। तो पूछे क्या नाम है, हाँ बताओ 10 रुपये, जानते हो पहले का किससे पूछने वाले थे, हाँ बताओ कौन सुनाएगा पहले, तो पहले उन्होंने बोला हाँ तुम सुनाओ, फिर तुम सुनाओ, फिर 20 ने उठाया, उधर उठाया, ठीक है। उसके बाद जो है ये सब चीज़ें चलती रही, किसी को याद नहीं था, किसी को याद नहीं था, ठीक है। वो ऐसा कोई इसको बोले सर इतना लंबा कौन याद कर पाएगा, ठीक है आप कोई और क्वेश्चन दे दीजिए। जब उन्होंने ये बोला किसी को याद है तो हमने खड़ा कर दिया, और वो भाई साहब चेहरा पूरी क्लास चेहरा दिख रही थी कि क्या यार कौन सी बनाया है, 3-3 पेज का लाइन बाई लाइन रट के बैठा हुआ है। उस दिन मैं सोया नहीं था जब उन्होंने क्वेश्चन दिया था, क्योंकि मेरे चैलेंज बन गया था। तो ये चीज होती है, ठीक है। तब मैंने उस समय ये लगा कि यार मैंने अपने मेहनत से किया, इसमें किसी का वो नहीं था, लेकिन हाँ उसमें ये चीज लिया कि वो मेरा कंप्यूटर बन गया, मुझे ये कहीं से लग रहा था मैं इससे आगे कैसे निकलूं। तो सारे सब्जेक्ट नहीं निकलते, एक सब्जेक्ट निकल सकते हैं, उतना कर लिया मेरे लिए बहुत था। और खुशी इस बात की हुई थी कि 70 लोगों में हम इकलौते थे जो इन्होंने आंसर दिया था। और यकीन मानो जो पहला दिन था उससे पढ़ तो रहे थे हम करीब, मुझे लग रहा 6-7 महीने गुजर गए थे, और टीचर को मेरा नाम तक पता नहीं था। और ये क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन ने बुरा मतलब बुरा इंट्रो करवा दिया। उसके बाद जब वहां पे जब मैंने सब पूरा बता दिया
और सब लोग देख रहे हो लंबा चौड़ा तीन पेज से कहाँ खत्म होने वाला था, हम लग गया शुरू से, ठीक है। और जब उन्होंने पूछा कि भाई, तब उन्होंने पहली बार मेरे बारे में पूछा, इंट्रो लिया, भाई कहाँ से आते हो, तब उनको पहले गाँव का, मामा का, पूरा उन्होंने पूरा खानदान पूछा, ठीक है। ये होता है, मैं कुछ इसलिए घबराना नहीं चाहिए, आप जहाँ भी जिस लेवल पे हो आप वहां देखो कुछ ना कुछ ऐसा चीज होगा जिसमें आप परफेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और मुझे काफी अच्छा इस बात का लगा सबसे ज्यादा कि ये किसी को याद नहीं था, मुझे याद था, वो बढ़िया था। खैर देखो पूछता नहीं, मुझे याद है पूरे तरीके से, देखो यहाँ पे खैर एवॉइड अनडू, तो ये कहने मतलब है क्लास में किसी से अपने आप कंपेयर नहीं करना चाहिए, आप कंपेयर करो अपने आप को खुद से कि आप पहले कैसे थे और आप कैसे हो, उसे जब कंपेयर करोगे तो उसका एक अलग लेवल का होगा, बस मैं कुछ खुद से कंपेयर करो, हमेशा अपने आप में इंप्रूवमेंट मिलेगी, ठीक है। देखो एवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, एवरी चाइल्ड हैज हिज हर ओन चॉइस, हर बच्चे की अपनी चॉइस होती है ना। देखो एंड पर्सनालिटी, जैसे कुछ बच्चे होते देखा होगा पढ़ाई लिखाई में नहीं होते, डांस करने में बहुत आगे होते, ठीक है, क्रिकेट में बहुत ज्यादा होते हैं, स्पोर्ट में ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे का अलग, कुछ बच्चे का अलग, अपना अपना एक वो होता है। खैर वही यहाँ पे विच शुड बी रिस्पेक्टेड एंड नर्चर, मतलब ये है जिस बच्चे का जो भी क्वालिटी है उसको क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए और साथ साथ उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसकी मतलब रिस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ देखो एंड नर्चर, उसकी सराहना करनी चाहिए, हाँ गुड। ये नहीं किसी पढ़ाई लिखाई में कमजोर हो गया तो उसको आपने बिल्कुल गधे हो तुम कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ, ये तो ये कभी नहीं करना चाहिए। उसे बताएगा देखो बच्चे ऐसे ही जाते हैं प्रेशर में, जाएंगे कहेंगे लोग कह रहे अल्कोहल पी लो, कोई बहुत सारे दोस्त भी ऐसे रहते हैं अबे छोड़ यार लिपी एक बाइक मार छोड़ो, है ना। तो ऐसे यहाँ पे बच्चे ले जाते, देखो यहाँ पे नर्सर ए चाइल्ड शुड नॉट बी पुश्ड, ठीक है, अनड्यूली टू परफॉर्म बियॉन्ड हिज हर थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब ये कहने मतलब इसे बताया गया हर बच्चे की अपनी परफॉर्मेंस होती है, अपना एक उसकी लिमिट होती है, हो सकता है एक बच्चा जो है कुछ क्वेश्चन कर सकता है दूसरा बच्चा नहीं कर सकता है, अलग अलग प्रेशर को बिल्डअप करने की, इसे कोई चीज बोल दिया तो बच्चे अलग अलग टाइप से लेते हैं उसको, जैसे कुछ बच्चा उसके जैसे मेरे लिए क्वेश्चन क्या बन गया था चैलेंज बाहर के लिए नॉर्मल सी चीज थी, तो ये क्वेश्चन और बर्डन हर बच्चे के हिसाब से अलग होती है, तो लिमिट बच्चों की अलग अलग होती है, तो हर बच्चे की अपनी एक लिमिट होती है। यहाँ देखो बी इट स्टडीज स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज, हो सकता है कोई स्पोर्ट में आगे हो, ठीक है, जैसे वो श्रेया क्या नाम है, देखो पढ़ने में डाउट अच्छी है, मैंने उसका डांस देखा अच्छा डांस कर रही थी, कई बच्चे सारे अच्छे बच्चे मैंने देखे तो हमें तो अंदाजा भी नहीं था, हमें तो लग रहा कि क्या करते होंगे लोग, हम ये देख रहे थे बच्चे खाए किस चीज में आगे, तो उस दिन मुझे पता लगा अच्छा ये लोग अच्छा अच्छा कर रहे थे। यहाँ देखो कह रहे यहाँ पे सगुन और दोनों लोगों ने अच्छा डांस किया, देखो यहाँ पे कह रहे वही कहने मतलब कि हर बच्चे की अपनी पर्सनालिटी होती है, कोई किसी में आगे कोई किसी में आगे, तो सबका अपना रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये नहीं सबको पढ़ाई से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। पहला क्या हुआ एवॉइड अनड्यू पीयर, समझ गए, अपने सहपाठी का क्लासमेट का बैचमेट का जो प्रेशर होता है उससे अवॉइड करना चाहिए। देखो तो इसमें ऐसा कुछ बहुत ज्यादा चीजें है नहीं है, ठीक है, बस एक आपके लिए बताया गया है। देखो क्या देखो एजुकेशन एंड काउंसलिंग, और मान लो बच्चा बहुत डिप्रेस में है, पेरेंट्स से बात नहीं कर रहा है, किनारे है, आइसोलेट है बिल्कुल, चुप चुप तो रहता है, गुमसुम रहता है, कोई भी हो सकता है बच्चा बच्ची कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो पहला काम क्या है, कुछ लोग पहले पर्सन बना लेते, अरे कहीं बैच मैच लड़की आई होगी, लड़की वहाँ लड़ाई की होगी इसलिए बात नहीं कर रही है, नहीं देखो उसे पूछो एटलीस्ट कम से कम क्या हुआ, बात हुई क्या है। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो चीज़ों को बता ले जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे जो माइंड दिमाग में रखते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने वो फ्रेंड से, एक फ्रेंड साइकिल ऐसा होता है जिसमें बच्चे कुछ छिपाते नहीं बता देते, तो यहाँ पे एक फ्रेंड की जिम्मेदारी भी बन जाती है ना, कि कोई चीज़ मान लो वो अपने घर पे नहीं बता पा रहा है फ्रेंड को बता दे रहा है, तो आप जाके गार्जियन को उसको थोड़ा सा बताओ। देखो यहाँ पे एजुकेशन एंड काउंसलिंग, अगर उसको कोई दिक्कत हो उसे उसको एजुकेट करिए, उसकी काउंसलिंग करिए। देखो एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग हिम हर फेस्ड प्रॉब्लम एंड स्ट्रेस एंड टू एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट एंड फेल्योर एज पार्ट ऑफ लाइफ, ये इंपॉर्टेंट, देखो एक्सेप्ट एंड डिसअपॉइंट एज एंड फेल्योर एज पार्ट ऑफ, कह रहे हैं कि जो सक्सेस होना या फेल होना, फेल हो जाना ये क्या है, एक लाइफ का एक पार्ट है, लाइफ नहीं है, लाइफ का पार्ट है। हो सकता है आप किसी चीज़ में फेल हो गए हों, एक आध दो एक्टिविटीज़ में,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा फेल होते रहेंगे। किसी चीज में फेल हुए तो हो सकता आगे चल के बहुत बड़ी चीज में आप उसको पास होने वाले हैं लाइफ में, है ना। ये भी चीजें यहाँ पे हो सकती है। वो कह रहे कि एजुकेशन एंड काउंसिल एक्सेप्ट, तो इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है फेल हो गए कोई बात नहीं, आप उसको देखो कि कहाँ गलती गड़बड़ कहाँ हुआ, गलती कहाँ हुआ मेरे से, ठीक है उसको इम्प्रूवमेंट करके फिर आगे से चलो। वही कह रहे हैं यहाँ पे कि ये सब जो है फेल हो जाना या किसी चीज में बहुत सक्सेस मिल जाना, ये सब ये लाइफ का एक पार्ट है। यहाँ पे लाइफ खत्म नहीं हो जाती। कुछ लोग लगता है क्या लाइफ खत्म, यहाँ पे फेल हो गए लाइफ खत्म, बस ना इस बार तो नंबर मेरे काम आ गए लाइफ खत्म हो गई। आपने देखा होगा बहुत सारे केस, अब तो खैर नहीं होते बट पहले बहुत सारे होते थे, नंबर कम आ गए घर वाले इतने नंबर, इतने नंबर पड़ोस वाले इतने नंबर, दोस्त यार इतने नंबर, जाके कूद गया, क्या करेगा वो दोस्त यार घर वाले, जिसकी जिम्मेदारी थी उसको समझाने की, कोई बात नहीं तुम अगली बार अच्छे से करना, तो मान जाता से सब के सब किनारे हो गए। अब उसको क्या लगेगा वो आइसोलेट हो जाएगा, आइसोलेट बने दिमाग में फिर वही आएगा अरे छोड़ो यार कोई साथी भी नहीं तो क्या करेगा। आदमी सुसाइड करने की कंडीशन ये भी होती है जब उसको ये लगने लगता है कि नहीं कोई साथ नहीं उसके, तभी वो सुसाइड करता है। क्या बतिया रही हो, हाँ हाँ बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो नहीं हुआ तो दोबारा देती क्या दिक्कत, वही मैंने मतलब ऐसे बच्चे जो बहुत सारे होते हैं नीट में उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है तो वो उनको लगता है कि पूरी लाइफ खत्म हो गया, ऐसा नहीं, फिर दोबारा नीट दो, अच्छे से तैयारी करो, देखो कहाँ गड़बड़ हुआ है, पोस्टपोन नहीं करते मत करो, अब अगला करो, अगला तुम्हारे चांस 6 महीने 7 महीने बाद फिर एग्जाम है उसकी तैयारी करो और अच्छे से करो, सोचो कि इस बार हमें एम्स मिले, बस ना कुछ। तो कहने मतलब ये कि आपके पास ऑप्शन रहते हैं लेकिन आप क्या मान लेते हो कुछ पागल लोगों के चक्कर में आप फंस जाते हो, अरे यार बेकार हो गया लाइफ, बेकार हो गई, सिलेक्शन नहीं हुआ, ये सब नहीं करना। सिलेक्शन या रिजेक्शन ये पार्ट ऑफ लाइफ है, लाइफ नहीं है। तो ये नहीं कि ये अगर इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है तो लाइफ खत्म हो गई, ऐसा नहीं, अगला चांस आपके पास है उसमें तैयारी करो, फिर अच्छा से निकालो, बढ़िया रैंक से निकालो। यहाँ देखो यानी एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलियर एज ए पार्ट ऑफ लाइफ, इट वुड आल्सो बी वर्थ वाइल टू चैनलाइज द चाइल्ड एनर्जी इन टू हेल्दी परस्यूट लाइक स्पोर्ट रीडिंग। तो कह रहे हैं कि बच्चे जो है उनको आप समझाओ, जैसे ये योगा उनको समझाओ जरूर कि बच्चे थोड़ा मेहनत करो, क्योंकि मेहनत नहीं करोगे तो आगे कंपटीशन नहीं कर पाओगे, ठीक है फिर कैसे क्या करोगे, फिर किसी से बताओ फिर क्या करोगे तुम बताओ, तो बच्चा खुश हो जाएगा, हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं कि भाई अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे कंपटीशन का है, उसके नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, फिर प्राइवेट इधर काम 5-6 हज़ार दिन भर रात भर, तो उसको जब समझाओगे तो बच्चा चीज़ों को समझ जाएगा। दूसरी बात उसको यह है अगर लगातार वो डिप्रेशन में तो कोई उसको स्पोर्ट ज्वाइन करा दो, ठीक है स्पोर्ट ज्वाइन करा दो या कोई बुक उसको दे दो अच्छे से कोई पढ़ने के लिए, या म्यूजिक वगैरह कुछ लगा दो, तबला रख दो, हारमोनियम रख दो, गिटार रख दो, उसमें इंगेज हो जाए, साथ साथ योगा वगैरह करवा दो, उससे क्या होगा कि कुछ एक्स्ट्रा जो कुछ एक्टिविटीज उसमें इन्वॉल्व कर दो ताकि बच्चे के दिमाग में डाइवर्ट हो जाए, अदरवाइज खाली बैठेगा दिमाग वहीं घुसेगा, तुम्हारे नंबर कम आ रहे, तुम्हारे नंबर नहीं कम आ रहे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, वही दिमाग उसको वो करता रहेगा, ऐसे क्या होगा उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो कह रहे ऐसे बच्चे जो डिप्रेशन में है उनको अलग से कुछ अलग से एक्टिविटीज में लगा दो। बस में यहाँ देखो तो पहला क्या हुआ एजुकेशन एंड काउंसलिंग, उसको काउंसलिंग करा दो, काउंसलिंग मतलब यही चीज है उसको समझा दो, क्योंकि जो सुसाइड वाले केस होते हैं बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म एक झटके के साथ आता है और सब कुछ खत्म कर देता है, अगर वो टाइम ड्यूरेशन अगर बचा लिया किसी तो फिर वो चीज़ें खत्म हो जाती है। मान लो कोई सुसाइड का आपने देखा होगा मूवी में, तो कोई सुसाइड करने जा रही है अचानक कोई हीरो आता है वो बतियाने लगता है, वहाँ पिज्जा बहुत अच्छी बनी थी, मतलब दिमाग अलग कर दिया, जैसे वो खाने पीने की बात कर ले दिमाग जहाँ से उसका सुसाइड से दिमाग हटा वो कभी सुसाइड नहीं करेगी, डर के मारे फिर भाग रहा आ जाएगी, मान लो कूद रही होगी तो नहीं कूदेगी फिर वो, बस में उसका दिमाग जो है डाइवर्ट कर देना, ठीक। अब देखो यहाँ पे खैर दूसरी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये मैंने बताया टीचर और गार्जियन दोनों की जिम्मेदारी बनती है समझाना, ठीक ठीक कोई बात नहीं, नहीं हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब ये देखो कि आपकी गलतियाँ कहाँ थी, कहाँ गड़बड़ किया आपने, उस चीज को सुधार करो, 6-7 महीने बाद फिर एग्जाम है उसमें लग जाओ फिर से। यहाँ देखो सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट एंड पीयर, और यहाँ पे देखो मैंने बताया ना पेरेंट एंड पीयर मतलब उसके जो दोस्त यार हैं उनकी जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत सारी बातें होती है जो आप अपने पेरेंट्स नहीं बताते लेकिन दोस्त से शेयर कर देते हैं, यार ऐसा ऐसा हुआ है ये हुआ बताओ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, गार्जियन बताएंगे पापा मम्मी और डांटेंगे और मारेंगे, होता नहीं होता कि दोस्त से सब बता दो पेरेंट्स से नहीं बताते हो, यहाँ पे दोस्त और पेरेंट की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। देखो कह रहे कि हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स एंड पीयर्स शुड बी सॉट इमिडिएटली, कोई ऐसी बात है जहाँ पे बच्चे उसको लग रहा है यार ये कुछ भी कर सकता है अचानक तुरंत जो है गार्जियन को बताना चाहिए कि भाई ऐसी चीज़ें हो सकती है इसके साथ ये दिक्कतें आ रही है, देखो सॉट इमिडिएटली तुरंत उसको बताना चाहिए, इससे पहले कोई एक्टिविटीज़ करे, इससे परसों एक केस आया था मेरे पास
वो हैंगिंग का था, वो पता नहीं रात में कब किसने फांसी लगा लिया था, और कौन सी जगह मुझे याद नहीं आ रहा है, आसी पास का था, उसे फांसी लगा, लड़की थी 38 साल की थी, फांसी लगा दी उसने, खत्म हो गई। ठीक है, तो कहने मतलब यहाँ पे ये है, तो वही कहने मतलब है कि ये सब चीज़ें थोड़ा सा तुरंत एक्शन, जहाँ पे इसे क्या है खतरे वाली बात, बच्चे देख लो दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, अचानक वो मरने मरने की बातें कर रहा है ना, तो कर देगा वो ना। देखो, दे कैन गाइड एप्रोप्रिएटली, एप्रोप्रिएटली से हेल्प में इवन बी सॉर्ट फ्रॉम द क्लोज एंड ट्रस्टेड फ्रेंड। हाँ, दोस्त भी ऐसा होना चाहिए जो ट्रस्टेड हो, विश्वास पात्र बोलते हैं, दोस्त का मतलब यही होता है विश्वास पात्र, वरना कुछ गलत संगत दोस्त बन गए, खाने पीने वाले हैं, दास बताएंगे खाने पीने मौका लिया, जहाँ पे काम पड़ गया भाग लिए, ऐसे दोस्त की बात नहीं कर रहे हैं, ट्रस्टेड दोस्त होना चाहिए। ठीक है, जो आपके मौके पे साथ दे। यहाँ देखो, हेल्प में इवन बी सॉर्ट फ्रॉम क्लोज एंड ट्रस्टेड फ्रेंड्स बिसाइड गेटिंग प्रॉपर एडवाइस टू सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम। तो उसकी प्रॉब्लम को तुरंत वो गार्जियन तक पहुँचते पहुँचते सॉर्ट कर देंगे, मतलब एक दोस्त जो है वो भी समझा कर, कोई बात नहीं यार छोड़ दे, इस बार फिर से तैयारी करो और अच्छे कॉलेज मिल जाएगा, हो सकता है, हो सकता है तुम इस बार लेते तो खराब कॉलेज मिलता, इस बार तुम डायरेक्ट एम्स उठाओ, क्या दिक्कत। तो दोस्त अगर समझा देगा तो हाँ यार बात तो सही कर रहे हो, मतलब कुछ नहीं, जो कुछ इलाक तो घूम घाम रहे थे, मूवीज वूवी देख रहे थे, क्रिकेट ज़्यादा खेल रहे थे, तो बंद कर दो कुछ दिन के लिए, पढ़ाई कर लो, निकल जाओ इस बार। तो ये दोस्त भी समझा सकता है, सॉर्ट कर सकता है। गाइड अप्रोप्रिएटली हेल्प में इवन बी सॉर्ट फ्रॉम द क्लोज एंड ट्रस्टेड फ्रेंड बिसाइड गेटिंग प्रॉपर एडवाइस टू सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम, दिस वुड हेल्प यंग टू वेंट देयर फीलिंग ऑफ एंजाइटी एंड गिल्ट। उससे क्या होता है, वो अपने आप को दोष देना और एंजाइटी से बच जाएगा। उसमें तो क्या बताया हमने, सीकिंग हेल्प फ्रॉम, सीकिंग मतलब खोजना, जो पर्सन होता है वो अपने पेरेंट्स से या उसके जो सहपाठी होते दोस्त यार होते हैं उनसे हेल्प चाहता है वो, कि लोग उसको सपोर्ट करें, हेल्प करें उसकी। लेकिन उस समय भी ये लोग अगर नहीं रहे तो एक ही केस आता है, फिर सुसाइड करेगा वो। यहाँ देखो, लुकिंग फॉर डेंजर साइन, जैसे यहाँ देखो क्या मतलब, इसमें मतलब कोई बच्चा आपको पता चला कि हमारा जो बेटा है सिगरेट स्मोकिंग शुरू कर दिया है, अभी जल्दी से आज ही उसका स्टार्ट किया उसने, तो क्या करो, उसको सिगरेट का डिब्बी दिखाओ, ये देखो कैंसर, ऐसे करो तो कैंसर हो जाएगा तुम्हें, इतने लोग मर गए, ठीक, इतने लोग मरने वाले हैं, हर रोज रोज बताओ ये देखो कैंसर, उसको फोटो दिखाओ, लुकिंग फॉर डेंजर साइन उसको दिखाओ। अल्टर अलर्ट, पेरेंट्स एंड टीचर नीड टू लुक फॉर एंड आइडेंटिफाई द डेंजर साइन, डिस्कस अबव, इवन फ्रेंड्स इफ दे फाइंड समवन यूजिंग ड्रग्स और अल्कोहल शुड नॉट हेजिटेट टू ब्रिंग्स दिस टू द नोटिस ऑफ द पेरेंट और टीचर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पर्सन कंसर्न। मतलब ये हो गया कि अगर आपको कहीं किसी बच्चे को पता चला, यहाँ पे फ्रेंड्स है कोई भी हो, उसको ये पता चला कोई बच्चा गलत उसमें है, तुरंत जाके इन्फॉर्म करना चाहिए टीचर को और या पेरेंट्स को। अब लेकिन यहाँ दिक्कत क्या हो जाती है कि जो लोग उसको निगेटिव पर्पज ले जाते, कैसे पी लिया, कैसे यूज कर लिया, अरे ये कहो अच्छा होता है पता चल गया, ना पता चलता तो क्या होता, तो उसको गलत चीजों में उसको डांटने की जगह उसको ले जाकर थोड़ा सब समझाना चाहिए। वही कहने मतलब, यहाँ देखो आप कह रहे कि यहाँ पे अलर्ट पेरेंट्स तो हो गया, यहाँ पे मेजर वुड हैपन टू रिक्वायर्स टू डायग्नोज द मेलेडी एंड द अंडरलाइन द कॉजेस, दिस वुड हेल्प इनिशिएटिंग प्रॉपर रिमेडियल स्टेप टू ट्रीटमेंट। तुरंत जो है अगर मान लो उसका है, बहुत सारे बताए एंटी डिप्रेशन मेडिसिन आते हैं, जैसे कौन कौन नाम बताओ, सो रहे हो क्या, कहानी सुन रहे हो, एम्फेटामिन और बताओ है? यार 3:15 बज गया क्या, पता नहीं चला, यार पता नहीं चला। अच्छा ये कहानी जैसी है भी थोड़ा सा, है ना। अच्छा एक काम करो, बस मुझे 2 मिनट दो, ये उसमें कुछ है नहीं, खत्म हो गया। देखो लुकिंग फॉर डेंजर साइन मतलब ये कहने मतलब उसको दिखाओ कि पैकेट देखो कैंसर, इससे पियोगे तो कैंसर हो जाएगा। खैर देखो अगला हमारे पास का, देखो सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, और जहाँ पे डॉक्टर की जरूरत पड़े तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि बच्चा हमारा ऐसे ऐसे है, बताओ इसके लिए क्या करना, कुछ मान तुरंत को ध्यान, और इसमें कुछ है नहीं, देखो समझ गए, 5 ही है ना इसमें, देखो 5 है कि 6 है, 5 है। पहला क्या बताया हमने, लुकिंग फॉर डेंजर साइन, और क्या क्या देखो, लुकिंग फॉर डेंजर साइन इस आर अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, इससे क्या बताया, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट एंड पीयर्स, ठीक है, और सीकिंग फ्रॉम प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, इससे क्या बताया, एजुकेशन एंड काउंसलिंग, ये बन गया पूरा, लस्सी बना के पी जाओ, हो गया। अच्छा ये चैप्टर भी खत्म हो गया, ठीक है।
चैप्टर खत्म हो गया है, तो इसमें कुछ एडिशनल चीज जो एड्स के बारे में पढ़ाना है कुछ थोड़ा सा एक दो टॉपिक उसके बारे में पता पढ़ा के, तो चैप्टर को अगले जो चैप्टर होगा उसको स्टार्ट करेंगे। हैं हाँ, बीमारी कुछ बीमारियों के बारे में बताना है आपको, है ना। हाँ 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 ये पूरा खत्म करवाएंगे, ठीक है। मुरली 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 हाँ, ये तो जरा मिलवा दे मुरली की रैगिंग लेते हैं, मुरली का रैगिंग लेते हैं। रुको रुको, ओके थैंक्स लिख दो, थैंक्स एवरीवन। बस बस बस।